हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं और ये चैप्टर का एक बढ़िया सा ओवरव्यू हो जाएगा। मोस्टली पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देना, वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा देना, एक सिंगल मार्क भी आपका कट नहीं पाएगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा 7 मार्क्स का आता है और 7 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है ना, बस आपको जरूरत है अच्छे से पढ़ने की। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वन शॉट को आपने 2x की स्पीड में देखना है, 2 बार देख लेना, सो दैट कि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन के आंसर कर देना। और इस चैप्टर के बढ़िया वाले डिजिटल नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना डी एंड एफ ब्लॉक डिजिटल नोट्स बाय भारत पंचाल सर। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि बाकी सभी चैप्टर के वन शॉट भी बना दिए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में देख लीजिए नए वाले वन शॉट हैं। अच्छा, एक बात, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो पिछले साल वाले वन शॉट हैं। देखो यार, पिछले साल भी नए वन शॉट बनाए थे बट उसमें सिलेबस कम था, तो अब सिलेबस बढ़ गया है। अब देखो, जो सिलेबस बढ़ गया उसके लिए नया पोर्शन शूट किया गया है। ठीक है, बाकी पिछले वाले बहुत अच्छे ही हैं, दैट्स व्हाई इनको मर्ज किया है, तो आपके लिए इजी रहेगा। जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी और नई नई वीडियो आएंगी, है ना, क्योंकि अब सिर्फ हमें बोर्ड पे फोकस तो करना नहीं है, हमें नीट पे फोकस करना है, जेई पे फोकस करना है, सीयूटी पे भी फोकस करना है। अब जो भी आपका एम है तो उसके लिए जरूरी है जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है उससे फायदा उठाएं, और जो चीज हमारे लिए नीडेड है, जैसे इस चैप्टर में कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक की कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, वो अच्छे से है। इसके अलावा एफ ब्लॉक को मैंने पूरा रीशूट किया है। अच्छा, एक मैं बात बता दूं, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो यही बनेगा कि कौन कलर है, कलर ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जिंक कैडमियम मर्करी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनेंगे कि भाई ये कलरलेस क्यों है ना, ये सॉफ्ट मेटल्स क्यों है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सेकंड पॉइंट इज कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन है, उनको बहुत अच्छे से कर लेना। एफ ब्लॉक में से जनरली आपसे पूछा जाता है सिर्फ लैंथन और कॉन्ट्रैक्शन, उसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के वन शॉट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी ब्लॉक की अगर हम डेफिनेशन कर रहे होते हैं, वो डेफिनेशन होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग किसे बोलोगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता हो। देखिए, लिखा भी गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। यहाँ पर देखिए दो तीन शब्द यूज हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कोई बोलता है एस ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलोगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा हो, पी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलेंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहा हो, सिमिलरली डी ब्लॉक जिसमें डी सब शेल में, एफ ब्लॉक जिसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जा रहा हो। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और अराइज होती है दैट कि ये वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल, ये क्या होता है? देखो, जैसे कि हमारे पास एस या पी है, एस या पी जब भी होगा इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा एन शेल में जाएगा, एनथ शेल में जाएगा, और ये जो एनथ शेल होती है ना इसे बोलते हैं वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। और अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएच शेल में ना जाके उससे एक शेल कम में जाता है, ये जनरली डी में होता है कि लास्ट में नहीं जाता है इलेक्ट्रॉन, उससे एक कम में, अभी कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना मस्त समझ आएगा और बढ़िया तरीके से आपको चैप्टर समझ में आने वाला है। 2x की स्पीड में देख लेना, भले 2 बार देख लेना, सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एन माइनस वन डी है, तो बेटा इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, इसे आप लोग बोलते हो पेनल्टीमेट शेल, इट इज नोन एज पेनल्टीमेट। और अगर मैं एफ की बात करता हूं तो एफ में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो लास्ट से 2 कम में जाएगा, इसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट क्या होता है, लास्ट बट वन, लास्ट से, सॉरी पेनल्टीमेट होता है लास्ट से 1 कम, और एंटी पेनल्टी होता है लास्ट से 2 कम, लास्ट से 2 कम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब देखो, अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 7th शेल में, या वैलेंस शेल हम 7th शेल बोल रहे हैं, तो उसकी पेनल्टीमेट शेल कहलाएगी। 6th शेल जो होती है वो पेनल्टीमेट होती है, जो 5th शेल होती है वो एंटी पेनल्टीमेट होती है या फिर प्री पेनल्टीमेट होती है। चलो पॉइंट पे आते हैं। तो बेटा जी, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता हो, डी सब शेल में, और डी सब शेल की भी पेनल्टीमेट शेल में, पेनल्टीमेट ही होती है, ठीक है ना। देखो लिखा गया है एस के लिए क्या होगा, एस में इलेक्ट्रॉन 0 से 2 तक हो सकते हैं, और डी के साथ क्या लगा, एन माइनस वन, मतलब एस के साथ जो नंबर लगा उससे 1 नंबर कम, और डी में इलेक्ट्रॉन कितने से कितने जा सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक जा सकते हैं।
डी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है 5, जब डी के पास एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, और कुछ केसेस में डी में जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब भी स्टेबल हो जाता है, बट 5 और 10 में तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये पीरियोडिक टेबल आपने कभी ना कभी देखी होगी, है ना। ये जो इलाका है, इलाका तो कुत्तों का होता सर, हाँ एक डायलॉग था, बट अभी क्या है, ये जो ग्रुप्स हैं ये एस ब्लॉक के हैं, ये पी ब्लॉक के हैं, ये डी ब्लॉक के हैं और ये एफ ब्लॉक के हैं। जो आपका डी ब्लॉक है बेटा वो यहां से यहां तक है, दिस वन। डी ब्लॉक की टोटल 4 सीरीज होती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, इसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो दूसरा नाम होता है, देखो ये दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, है ना, ये हमारे पास सबसे पहले कौन सी सीरीज है, ये हमारे पास 3D सीरीज, 4D, 5D एंड 6D। 3D को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, और हमारे सिलेबस में इन डिटेल जो हमने पढ़ना है वो इसी को पढ़ना है, इस वाले को अच्छे से पढ़ना है। तो बाकी और कुछ बातें हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच द एटम और आयंस हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो दूसरा नाम होता है ना वो ट्रांजिशन एलिमेंट भी होता है। डी ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन का हिंदी में मतलब होता है अधूरे, अपूर्ण, जिसमें कुछ ना कुछ कमी हो। अब डी में पूरे कब होंगे, जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, बट हर एक के डी में 10 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, डी में स्टार्टिंग तो 1 से होगी, D1, D2, D3, so on। तो ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, और जिसके पास भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा बेटा जी, आप उसे क्या बोलने वाले हो, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलने वाले हो। और यहीं पर कुछ एलिमेंट हैं, लाइक हमारे पास आ जाता है जिंक, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10। इसके बाद आता है कैडमियम, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4D10। इसके बाद आता है मर्करी, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 5D10। हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, सो दे डू नॉट शो मच रिजेंबलेंस विद अदर ट्रांजिशन एलिमेंट। या फिर एक क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम, मर्करी को आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हो, और वो क्यों नहीं करते, बिकॉज उनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, दैट्स वाई उनको हम लोग ट्रांजिशन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। जिसका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा उसको कैसे ट्रांजिशन कंसिडर करेंगे, ट्रांजिशन तो वो होगा ना जिसमें कुछ ना कुछ कमी हो। तो यहाँ पर सीरीज की बात की जा रही है, सबसे पहले 3D सीरीज है जो स्कैंडियम से जिंक तक है, 4D सीरीज है यूटेरियम से कैडमियम तक है, उसके बाद है 5D सीरीज। 5D सीरीज ना आपने एंड शब्द यूज किया है क्योंकि ना इसके बाद एक गैप आता है, ये जो गैप होता है ना 4F 5F के लिए होता है, मतलब देखो मैं पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर जूम इन नहीं करूंगा मैं क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी देखने में, यहाँ पर जो है एफ ब्लॉक आ जाता है डी ब्लॉक के बीच में। डी का दूसरा नाम अभी आपने किया, डी का दूसरा नाम होता है बेटा जी ट्रांजिशन, और एफ का दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जो ट्रांजिशन के अंदर हो। अब डी ब्लॉक के अंदर है, भले इन्हें जगह बाहर दी गई हो, अंदर इनको क्योंकि सिमेट्री बिगड़ जाती है, दैट्स व्हाई इनको बाहर रखा गया है, ठीक है ना। चलो बहुत शानदार। अब सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो सबसे डिटेल में हमने पढ़नी है वो 3D सीरीज पढ़नी है। कई सारे तरीके हैं बेटा, जिस मर्जी से याद कर लो, मतलब हमारे स्कूल में जनरली जब हम पढ़ते थे तो हमें कराया गया था शक्ति विकर्मण फीको निकुजन। बाकी अभी इसको याद रखने का तरीका क्या अपना सकते हो आप लोग, सुनो तुम विवाह को ये कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। फीलिंग ऑसम विद 9 अदर्स, मतलब ये स्कैंडियम बोल रहे ना, अब टोटल ये 10 बंदे हैं, इस वजह से SC को, ये SC बोले तो स्कैंडियम, TI मीन्स होता है बेटा टाइटेनियम, V मीन्स होता है वैनेडियम, CR मीन्स क्रोमियम, MN मीन्स मैगनीज, FE मीन्स आयरन, CO मीन्स कोबाल्ट, NI मीन्स निकल, CU मीन्स कॉपर एंड ZN मीन्स जिंक। अब अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है बेटा जी, 21 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर दो, तो देखो एक तो सब में क्या आएगा, अब ये 11th का टॉपिक है
और अगर आपको नहीं आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना, या फिर जो आई बटन आ रहा होगा ना उसमें दे दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेना जिसको नहीं आती है, ठीक है। टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, AR18 4S2 3D2, एटॉमिक नंबर 22 है ना, 18, 2, 20 और 2, 22। वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23 है, 18, 2, 20 और 3, 23। यहाँ पर दो स्पेशल केस होते हैं बेटा जी, वो कौन कौन से हैं, एक तो है क्रोमियम और एक है कॉपर। 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे आप लोग, क्रोमियम और कॉपर के साथ क्या सीन है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डी ज्यादा स्टेबल हो जाता है जब डी क्या हो जाए, ये सभी सब शेल की बात होती है, या तो वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाए या फिर वो एग्जैक्टली फुली फिल्ड हो जाए, ठीक है ना। तो डी की पूरी कोशिश रहती है कि या तो हमारे डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो देखो इसने यहाँ पर डी में क्या कर लिया, 5, इसने यहाँ पर डी में क्या कर लिया, 10, और एस में जनरली 2 होते हैं, बट इन दोनों के केसेस में एस में क्या हो जाता है बेटा, 1, ये एक इलेक्ट्रॉन छीन के चलते हैं। कन्फिग्रेशन आ सकता है और इसके बिना आप सीखोगे भी नहीं, तो अच्छे से कन्फिग्रेशन करनी है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए एक दो एग्जाम्पल सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले AR18 4S2 3D6, 18, 2, 20 और 6, 26। अब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि इसके लिए मत करो यार, Fe2+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन करो, तो क्या हो जाएगा, 2+ मीन्स 2-, और माइनस किस में से होगा, माइनस होगा बेटा जी S में से, ये हो जाएगा 4S0 3D6। मैं बोल देता हूँ Fe2+ के लिए मत करो यार, Fe3+ के लिए कर दो, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, AR18 4, देखिए अब आपको 2-3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने, तो माइनस कहाँ से होंगे, पहले एस में से 2 और एक डी में से चला जाएगा, तो बेटा जी हो जाएगा 4S0 एंड 3D5, भाई साहब एक्स्ट्रा स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे अगला केस पूछता हूँ कि चलो यार कॉन्फ़िगरेशन करके बता दो आप लोग मुझे, क्रोमियम की है ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, और ये एक स्पेशल केस है शायद आपको पता हो, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, AR18 4S1 और 3D5 है ना, 18 और 1, 19 और 5, 24। अब मान के चलो कि आपको कोई बोल देता है CR ना, आप लोग 3+ की कॉन्फ़िगरेशन कर दो, ठीक है, तो 3+ बोले तो 3- करने है ना, और मेटल है, मेटल पे जनरली पॉजिटिव चार्ज, जनरली क्या पॉजिटिव ही आता है, और पॉजिटिव का मतलब है कि आप इसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस करने वाले हो, ठीक है। अब 3+ है मीन्स 3- होगा, और माइनस किस में से हो जाएगा, ये AR18 4S0 और 3D3, ठीक है ना, 3+ है मीन्स 3 आप लोग माइनस करोगे और वो हो जाएगा ये, एक एस में से और 2 डी में से, कुछ भी कर सकते हो जो आपके मन में आ रहा है कि हाँ सर ये क्वेश्चन करना है। मान के चलो कि मैं आपको बोलता हूँ CO की कॉन्फ़िगरेशन कर दो, CO का एटॉमिक नंबर 27 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सब में AR18 तो आने वाला है, AR18 हो जाएगा, 4S2 हो जाएगा, और 3D क्या हो जाएगा, 7, 18, 2, 20 और 7, 27। मान के चलो आपको बोला जाता है CO 2+ की कॉन्फ़िगरेशन कर दो, 2+ तो लगभग सब में आ जाता है इनमें, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी, बस 2- कर दोगे, और माइनस कहाँ से हो जाएगा, एस में से, ये एस हो जाएगा 4S0 और 3D क्या हो जाएगा बेटा, इधर 7 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो ये कॉन्फ़िगरेशन के कुछ एग्जांपल हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि एक न्यूक्लियस के पॉइंट्स, देखिए एटम्स क्या होते हैं, एटम कुछ इस तरह से होते हैं ना कि सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के राउंड में शेल होती हैं बड़ी सारी। अब न्यूक्लियस के सेंटर के पॉइंट से लेके बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, तो हमें मूव करना होगा लेफ्ट टू राइट। जब भी कभी हम एस और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जब भी हम कभी डी एंड एफ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एंड सो सॉरी यार, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा थोड़ा सा, एक्चुअली नीचे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बस आप लोग समझ सकते हो यार, थोड़ी सी मजबूरी है, एक हमारे स्टाफ मेंबर दरवाजा खोल के चले जाते हैं। चलो डी और एफ में क्या होगा बेटा जी, हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करने वाले हैं, ठीक है ना। अब लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो क्या ही हो जाएगा भाई, अब पढ़ते हैं ना। तो 3D सीरीज में बेटा जी जब आप लोग लेफ्ट राइट मूव करोगे ना, तो साइज कुछ ऐसा पैटर्न होगा, पहले साइज डिक्रीज होगा इनिशियली, ठीक है ना, फिर साइज कॉन्स्टेंट रहेगा, एंड इन द एंड ऑफ द सीरीज साइज जो है वो इंक्रीज होता चलेगा। सर कैसे बोल रहे हो, बात समझ में नहीं आई।
मैं बताता हूँ, कुछ इस तरह से होगा, ए ये ये दिख रहा है, पहले साइज डिक्रीज हो रहा है, फिर साइज थोड़ा सेम रहेगा और फिर साइज इंक्रीज करता चला जाएगा ऐसे, ये देख लेना 10 होने चाहिए। मैं ग्राफ की हेल्प से आपको दिखा देता हूँ, और ग्राफ इसीलिए बनाए रखे गए हैं सो दैट कि ना आपको थोड़ा सा ना फील आए कि यार सर कहना क्या चाह रहे हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा ग्राफ को मैक्सिमाइज करते हैं, तो देखिए ये इनका रेडियस है। अब अगर हम 3D सीरीज की ही बात करेंगे, ये 3D सीरीज का साइज है, डिक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा सेम रह रहा है और फिर इंक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज सेम और फिर इंक्रीज। सर ये क्या इरेगुलर ट्रेंड क्या है? देखो बेटा जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, और जीवन इज केमिस्ट्री। क्या सर ज्ञान मत दो, टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ी बहुत तो अजीब बात होगी ही। अब अजीब बात क्यों है समझते हैं। देखो लिखा भी गया वैसे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई फर्स्ट डिक्रीजेज लार्जली, देन डिक्रीजेज स्लोली, या कह लीजिए रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड इंक्रीजेज इन द एंड ऑफ द सीरीज। अब जो इनिशियल डिक्रीज है वो किस वजह से है? देखिए बेटा जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। लिखा भी गया है, दिस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इन द बिगिनिंग इज ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे मूव करोगे है ना, मिड तक पहुंच गए, मिड तक साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। मिड में एक इफेक्ट राइज होगा, शायद आपने इस इफेक्ट का नाम पहले भी सुना है, नहीं सुना है तो भाई मैं बैठा हूं बताने को, टेंशन लेने का नहीं बिल्कुल भी, पढ़ाई की तो बिल्कुल मतलब, और बाबू सोना नहीं बन रहा है मतलब वो तो लेना ही पड़ेगी टेंशन तुम्हें, है ना, वो तो अब तुम्हारे भाई की भी नहीं है, एंड में करवा लूँ, अरेंज मैरिज ही करवाई, बहुत देखा कि हो जाए कुछ बट नहीं बनी बात, तो फिर क्या करें। चलो शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन होती है हमारी, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स फील्स लेस अट्रैक्शन टुवार्ड्स न्यूक्लियस ड्यू टू द रिपल्शन कॉज्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, मैं जैसे बताता हूँ, ये हमारा ना न्यूक्लियस है, और बिल्कुल ना फनी वे में सुनाऊंगा तुम्हें ना, वाइब आएंगी, अरे सर इतना बढ़िया, ठीक है ये है। अब इधर बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब देखो यार, जितनी वाइब्स ना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को आ रही होगी ना, उतनी वाइब्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आ रही होगी। रीजन बिहाइंड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका डिस्टेंस ही ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन वैसे भी कम हो जाती है। दूसरा ये है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड का काम करेंगे, उसके लिए रुकावट पैदा करेंगे भाई, वो उसको अंदर आने नहीं देंगे। अब कहे तू कैसे आ रहा है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ शील्डिंग इफेक्ट को आप बिल्कुल, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर अट्रैक्शन फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्रंजल दीदी इज प्रंजल दहिया, मतलब मेरे से ज्यादा फेमस है ये हरियाणा में, वैसे तो सारे मुझसे ज्यादा फेमस है, गंदा जोक था, हंसी नहीं आई, ठीक है। अब प्रंजल दीदी के शो में मान के चलो बड़े सारे मस्टंडे बैठे हैं इधर, और इधर तुम्हारा भाई बैठा है भारत जी अपने, ये भी बहुत बड़े फैन है, तो ये भी अब ये अट्रैक्शन फील कर पाएंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इधर डिस्टेंस ज्यादा है, और मैंने कहने लोगों थोड़ा दूर हो जाओ यार मेरे को भी देख लेने दो, ये मेरे को पकड़ के फिजिकल वायलेंस कर सकते हैं, ये नहीं अट्रैक्शन होने देंगे, ये पहले बैठे हैं, इनको ज्यादा फील आ रही है। तो भाई साहब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज, इसी को बोलते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट, कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को वो फील नहीं आ रही है जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को आ रही है। चलो बहुत शानदार। तो अब बेटा जी क्या होगा कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट राइज हो गया, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे और साइज कॉन्स्टेंट रहने लगेगा इन द एंड ऑफ द सीरीज। अच्छा ये पढ़ लो, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस वन डी सबशेल द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ दीज डी इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर मोस्ट एनएस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा
दिस इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर द एटॉमिक रेडियाई रिमेंस ऑलमोस्ट सेम। और एंड में क्या होगा, जब बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हम लोग, एंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स से क्या हो जाएगा कि उनके बीच में रिपल्शन होने लगेगी। इन द एंड ऑफ द सीरीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस, सो द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। क्लियर है बेटा, ट्रेंड कुछ ऐसे है, ट्रेंड कुछ ऐसे है, पहले साइज डिक्रीज, ठीक है ना, फिर साइज सेम और फिर साइज इंक्रीज। क्लियर है ना, अब साइज डिक्रीज क्यों हुआ, ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज कॉन्स्टेंट क्यों रहा, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और साइज इंक्रीज क्यों हुआ बेटा जी, तीन ट्रेंड है और तीनों का रीजन हम लोग बता चुके हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियस, क्षमा चाहता हूँ, आयनिक रेडियस। अब जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ कि जो मेटल्स होती हैं बेटा इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अब पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो साइज ऑफ एटम क्या होने वाला है, इन जनरल अगर आप बात करते हो साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है, ठीक है ना। देखिए लिखा भी गया है, इन जनरल आयंस ऑफ द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रिपीट करो बेटा, अब ये 3D सीरीज के एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो आयंस बन जाएंगे, इन पे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया ना भाई, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज्यादा हो चुके हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो साइज कम हो जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिए, आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, मतलब एक एलिमेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक एलिमेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 का मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, +2 का मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसने दिए हैं उसका साइज ज्यादा कम हो जाएगा। लिखा भी गया है, आयनिक रेडियस ऑफ Fe2 पॉजिटिव इज हायर देन Fe3 पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये ना बढ़िया मेटल्स होती हैं भाई साहब, जितनी भी मेटल्स वाली बढ़िया वाली प्रॉपर्टी होती है ना, मस्त, मतलब चाहे आपको इनकी डक्टाइल नेचर हो, चाहे इनकी मैलेबिलिटी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी हो, सोननेस हो, है ना, जो भी आप लोग बोल सकते हो ना, सभी अच्छी प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, एक दो एक्सेप्शन मिल जाते हैं। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का फंडा क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, उतना मेटालिक स्ट्रेंथ भी हाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब अच्छा ये ट्रेंड देख लीजिए, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीज। पहले तो ना मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, सर इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फिर ना इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, अनपेयर कम हो जाते हैं, और जब अनपेयर कम हो जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखा गया, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई जो टंगस्टन दादा है, टंगस्टन W हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, एंड इसमें एक मर्करी है, मर्करी इज द ओनली कलंक इन डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब मर्करी एक मेटल है, और मेटल होते हुए भाई साहब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते, बोलो क्या इज्जत रखी है इन्होंने, मर्करी इज द ओनली मेटल इन लिक्विड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर पे बात कर लेते हैं। तो याद रखिए कि जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैंने बोला ये सभी मेटल्स की बढ़िया प्रॉपर्टी शो करते हैं, शो ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल मेटल। और याद रखिए जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है बेटा, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी वजह से क्रोमियम बहुत हार्ड है, जिंक कैडमियम आपसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन वाई क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन वाई जिंक इज हार्ड
कि जो जिंक दादा हैं वो हार्ड क्यों हैं, सख्त लोंडा है भाई। जिंक नहीं, क्रोमियम। ठीक है, अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो AR, बहुत गंदा किया मैंने ये, AR 18, 4S 1, 3D5। S में कितने हैं भाई? एक इलेक्ट्रॉन है। और D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 इलेक्ट्रॉन। वन टू थ्री फोर एंड फाइव इलेक्ट्रॉन। अब बहुत ज़्यादा अनपेड है। ठीक है, हायर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, हायर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोंगर इज मेटालिक बॉन्ड। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा, उतना ही मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी बढ़िया बात है ना भाई, है ना, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। दैट्स व्हाई क्रोमियम इज हार्ड। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन आता है भाई, जिंक इज अ सॉफ्ट मेटल, जिंक इज अ सॉफ्ट मेटल। जिंक एक कैसी मेटल है भैया? सॉफ्ट मेटल है। तो देखिए बेटा, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? AR18, 4S2, 3D9। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सिंस जिंक हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ of metallic bond is weak and it is a soft metal। ये क्या भी है हमारे पास? एक soft metal होती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं। Next है enthalpy of atomization। What is enthalpy of atomization? Simple सी definition होती है enthalpy of atomization की। Energy required to convert one mole of solid into 1 mole of gas, 1 mole of gas। एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसको ही हम लोग बोलते हैं एटमाइजेशन एनर्जी, या फिर इसे आप लोग सब्लिमेशन एनर्जी भी कह सकते हो। इसको ही आप लोग क्या बोलोगे? एटमाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन एनर्जी। और क्या कह सकते हो आप इसे? सब्लिमेशन इंथैल्पी या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी क्या होता है? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर लेना, सब्लिमेशन एनर्जी। अब बेटा एक सिंपल सी बात है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने तो जो जितना ज्यादा सॉलिड होगा उसकी एटमाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब इनके अंदर क्या होगा? जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और इसी वजह से उतनी ज्यादा एटमाइजेशन इंथैल्पी भी होने वाली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एटमाइजेशन इंथैल्पी एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है। अब स्ट्रॉन्ग कौन कितना होगा डिपेंड करता है कि उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लेफ्ट राइट जाने पे इंक्रीज करती है।
अब जो डी ब्लॉक है वो एग्जिस्ट करता है एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक से। अब एस के राइट में है तो एस से तो हाई होगी, ठीक है ना, और पी के लेफ्ट में है तो पी वालों से लो होगी। लिखा भी गया है इस आयनाइजेशन एनर्जी लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब मोर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बट लेस देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और लेफ्ट राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाती है। अभी क्वेश्चन आता है, सर अच्छा इलेक्ट्रॉन निकालना मेटेलिक बॉन्ड से कोई पंगा नहीं होता, न्यूक्लियर चार्ज पे पंगा होता है, साइड पे पंगा होता है और स्टेबिलिटी की बात होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, व्हाई जिंक कैडमियम। अच्छा इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन ही जाएगा भाई, आप देख लेना, इनसे रिलेटेड आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को श्योरली मिलने वाले। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा क्यों होती है? तो देखिए जो जिंक है 3d10 है और फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल मतलब वो स्टेबल है, और कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन देके अपनी स्टेबिलिटी को क्यों ब्रेक करेगा? तो आप लोग क्या लिखोगे, जिंक हैव या जिंक कैडमियम मर्करी हैव फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड एंड एक्स्ट्रा स्टेबल डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को हम पढ़ें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरस्टिशियल साइट वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, इंटरस्टिशियल साइट है ना, इंटरस्टिशियल साइट। देखिए जब हम किसी भी सॉलिड के एटम्स की बात करते हैं, जब वो एटम्स पैक होते हैं तो उनके दरमियान उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह खाली बच ही जाती है, और इस खाली जगह को ही हम लोग क्या कहते हैं, दिस वैकेंट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट, या फिर इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, वॉइड। और जब इन वॉइड्स में छोटे छोटे एटम्स आके फिट हो जाते हैं लाइक बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ये सब एटम अगर फिट हो जाएं, अगर इधर स्मॉल एटम्स आ गए हाइड्रोजन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, वो इन छोटे छोटे जगह को भर लेंगे। अब बेटा जी हमारे पास ये जो कंपाउंड बन के निकला ना, ये वाला, दिस कंपाउंड इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इसको ही आप लोग क्या बोलने वाले हो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलने वाले हो, क्लियर है? अच्छा थोड़ा हरियाणवी टच रहेगा भाई, तो मतलब ज्यादा माइंड मत करना कि क्लियर है क्यों बोलते हो सर, हो जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड विद हाइड्रोजन कार्बन बोरोन और नाइट्रोजन एटम, और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनके बीच में वैकेंट स्पेस होता है, और ये देखो ना छोटे छोटे एटम फिट भी कर रखे हैं। अच्छा बड़ी खास बात होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नेदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवलेंट, ना तो आप इन्हें आयनिक बोल सकते हो ना कोवलेंट, और ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर, जहां पर ना कटायन टू द अनायन का रेशियो सेम ना हो, जैसे मैं आपको बोलता हूं NaCl है, अब NaCl में एक तो पॉजिटिव पोर्शन है और एक नेगेटिव पोर्शन है 1:1, तो ये रेशियो सेम है, इट इज स्टोइकोमेट्रिक, कटायन टू द अनायन का रेशियो जो है वो सेम है। आगे बढ़ो, अब जैसे इसमें देख लो Mn4n Fe3n VH0.56 TiH1.7, ये जो है यहां पर रेशियो सेम नहीं रह रहा, रेशियो जब सेम नहीं है तो मतलब नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, यहां पर भी कुछ आएगा। द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड, इतनी हार्ड होती हैं कि एक टंगस्टन कार्बाइड होता है, और भाई साहब हार्डनेस में ना मतलब डायमंड से पंगे ले जाते हैं कि अबे तू क्या है बे, इस तरह से लिटरली ऐसे बोलते हुए सुना था मैंने एक दिन सपने में, मतलब मजाक कर, वो हार्ड होते हैं। रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये गुण इनका नहीं जाता है। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आर केमिकली इनर्ट, रिएक्शन नहीं करते बट बिजली पास करा सकते हो।
नेक्स्ट है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु बोले तो धातुओं का मिश्रण आसानी से बन जाता है। दो मेटल लो, गर्म करो, मिक्स कर दो, मिक्स हो जाएगी, गर्म करके पिघल के ना मिक्स हो जाती है। अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज आर होमोजेनियस सॉलिड मिक्सचर। मैनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अलॉय बिकॉज दे हैव सिमिलर एटॉमिक। देखो क्या होता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो साइज होता है ना वो लगभग सेम रहता है, और सॉरी साइज लगभग सेम हो जाने से क्या हो जाता है कि इजिली एक मेटल के एटम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी मेटल के एटम्स को। मैं समझाता हूँ, शायद आप मेरी भावनाओं को समझो। नो, हम भावनाओं को नहीं समझेंगे। ठीक है, जैसे ये एक मेटल है, ये हमारे पास बी एक मेटल है, और ये हमारे पास सी एक मेटल है। अब मेरी बात समझो, किनको मिक्स करना थोड़ा इजी है। अब आपको भी दिखाई दे रहा है कि यार जिनका साइज सेम रह जाता है ना उनको मिक्स करना इजी रह जाता है। मैं कई बार बोलता हूँ कि बहुत मोटे की बहुत पतली से शादी हो जाए वो मिसमैच हो जाता है, थोड़ी ना फील सी नहीं बनेगी उसमें है। तो यही रहता है ना कि हाँ पतले की पतली शादी होनी चाहिए, मोटू की मोटे की शादी हो जानी चाहिए, वो ठीक रहता है जोड़ा, बट मिसमैचिंग में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अलॉयज आर होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन। मैनी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म अलॉयज। और अलॉयज बनाते क्यों हैं? बिकॉज दे हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू विच दे कैन इजीली रिप्लेस द एटम ऑफ अदर मेटल। एक मेटल के एटम बहुत आसानी से दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत इजीली मिक्स होकर बना भी देते हैं। अलॉयज आर फॉर्म्ड एंड ऑफन हैव क्या होता है इनके पास एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कोरिजन को भी नहीं पकड़ते हैं, कई सारी खास बातें होती है। देखिए जब भी मेटल्स को मिलाया जाता है वो क्यों मिलाया जाता है, क्या जुड़ता है? प्योर रखते हैं ना, अच्छा भी लगता है प्योर शब्द कहने में, शुद्ध मेटल। बट क्या रहता है कि सारे गुण ना एक मेटल में नहीं मिलते। लाइक गोल्ड है, बढ़िया है, जंग नहीं लगता, बट वो बहुत सॉफ्ट होता है। आपने देखा होगा सोने की चैन झपटली बड़े किस्से होते हैं, बट किस्से ना लोहे की चैन झपट के ले गया कोई, ऐसा जनरली नहीं होता। मतलब ज्यादा चिंदी आ गया ना तब तो शायद झपट भी ले, वरना लोहे की चैन झपटी भी नहीं जाएगी, वो बहुत हार्ड होती है भाई, गला ही। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो गोल्ड जो है बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें हार्डनेस के लिए ना वो फिर 18 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड, वो वाली कैटेगरी आते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है जैसे कि ब्रास है, ब्रास में कॉपर एंड जिंक है, ब्रॉन्ज है कॉपर एंड टिन है। मेरे को तो आज तक यही समझ में नहीं आया ब्रास एंड ब्रॉन्ज। अच्छा, ये प्रॉपर्टी मेरी फेवरेट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक मतलब किसी सब्सटेंस को हमने मैग्नेट के सामने रखा तो पॉसिबल है वो उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करे, पॉसिबल है अट्रैक्शन ना शो करे, पॉसिबल है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो कर दे भाई, बहुत ज्यादा रिपल्शन भी हो सकती है, बट उसको हम नहीं देखेंगे। दो बातें करते हैं, अट्रैक्शन होगी रिपल्शन होगी। अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है इट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, और अगर उसकी तरफ रिपल्शन शो कर रहा है तो उसकी तरफ मतलब वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो कविताएं होती हैं, कविताएं मतलब जो लेक्चर्स होते हैं उनकी जो हीरोइन है वो परंजल दीदी, दीदी तो डर के बोलना पड़ता है, परंजल दहिया। अब क्या है कि जो अपने भारत जी हैं वो कपल हैं, पेयर्ड हैं, वो अट्रैक्शन शो नहीं कर सकते। दिल बहुत करता है बट नहीं शो कर सकते। बट जो अनपेयर्ड हैं लाइक आप लोग किधर भी बहुत अट्रैक्शन शो कर सकते हो, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। जहां मर्जी जितनी मर्जी अट्रैक्शन फेंको, तुम्हारे पास परमिट है, हमारा परमिट कैंसिल हो चुका है वो वाला, समझ रहे हो। तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, जो दूसरी तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जो दूसरी तरफ रिपल्शन शो करते हैं। लिखा गया है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट आता है, उसका नाम है गौरव। वो भाई साहब उसकी आधी क्लास में ना रोना रहता है, सर कब होगा सर, मुझे कोई मुझसे कोई बात नहीं करती, कोई भाई कह के ही बात कर लो। वो इतना सिंगल बंदा है, इतना सिंगल है। वो कह रहे हैं ना किसी को भी नोट्स चाहिए मेरे से नोट्स ले लो, मैंने सारे नोट्स बना रखे, कोई बात तो कर लो। मतलब वो ऐसे है, वो फेरोमैग्नेटिक, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मैनी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, बता दिया पैरामैग्नेटिक कौन होता है,
जो अट्रैक्शन शो करता है, और अट्रैक्शन कौन शो करेगा, जो सिंगल होगा, जो अनपेयर होगा, और अगर कोई पेयर हो जाता है तो वो अट्रैक्शन शो नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो, नींद आ रही है? हो जाता है, मैं कोच करूंगा, हाई जोश से बोल रहा हूं मैं, तुम्हें नींद ना आए, है ना। अच्छा चैप्टर है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, इन नेचर इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। द पैरामैग्नेटिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इनकी जो आप मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो ब्रो, क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट। और याद रखिएगा जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, एंड फॉर्मूला होता है इसका रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास Fe3 पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, वैसे Fe3 पॉजिटिव है। मैंने आपसे पूछा बताओ ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, इसका क्या फंडा है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, Ar18 4s2 3d6। 3 प्लस है मतलब 3 माइनस करोगे, और माइनस कहाँ से होगा, सबसे पहले s में से, 4s0 3 प्लस मीन 3 माइनस करने, दो तो s में से हो गए, अब एक किस में से होगा, d में से, तो 3d5। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई, 1, 2, 3, 5। म्यू क्या रहेगा, रूट एन इंटू एन प्लस टू। अब इधर अनपेयर है तो 5 × 5 + 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 + 2 = 7, 7 × 5 = 35। अरे 5 + 2 = 7 = 35। क्या सर आप हमारे वाले मैथ कर रहे हो, और ये भारत जी अपनी गलतियां छिपाते हुए। चलो अब देखो इधर अनपेयर्ड है ना, तो आप लोग क्या लिखोगे, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अनपेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक रहेगा, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, Ar18 4s2 3d10, या 2 प्लस कर दो, 2 प्लस कर दो, 2 माइनस हो जाएगा, वैसे में से हो जाएगा। अब d में कर दो भाई 10 इलेक्ट्रॉन फिल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो इट इज डायमैग्नेटिक, ठीक है। वैसे तो म्यू नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, ये बेवकूफी करना मत, बट स्टिल दिल कर रहा तो कर लो, ठीक है ना। म्यू इज रूट एन इंटू एन प्लस टू, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर कितने हैं भाई, 0 है मेरे ब्रो, एंड 0 × 0 + 2। अब देखो कई ना बहुत बढ़िया मैथ वाले होते हैं लाइक मी, वो पता क्या कर देंगे, 0 + 2 2 है, ये 0 से 0 मल्टीप्लाई, ये तो 0 बट 2 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, बट ये 0 से कुछ मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाता है, तो याद रखिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0 आ जाएगी। एक क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं था मैंने, आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में बता देना, कि जो CO3 पॉजिटिव है इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, प्रॉपरली इसको सॉल्व कर लेना, ये पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, डायमैग्नेटिक होगा तो आपको पता ही मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगी, वो कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग, ठीक है। चलो बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स शब्द आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वरना देख लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसा बनता है, किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे बनते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन होगी, व्हेन अ सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो सेंट्रल मेटल एटम होती है ना, ये जनरली डी ब्लॉक से ही होती है, सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड टू न्यूट्रल और अनायनिक मॉलिक्यूल, और इन न्यूट्रल या फिर अनायनिक मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। बाय एक्सेप्टिंग देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, दैट इज एम, जो कि जुड़ा होता है एक लिगेंड से, और कैसे जुड़ा होता है? उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेसिटी है वो ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम की वजह से देखी जाती है, और ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है जनरली डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये डी ब्लॉक से ही क्यों बिलोंग करता है, ऐसे डी ब्लॉक ने कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तो चलो बताता हूँ इसने क्या अच्छे कर्म करे हैं। इधर सबसे पहली बात, भाई का एटॉमिक रेडियस बहुत स्मॉल है। स्मॉल एटॉमिक रेडियस की वजह से क्या होता है कि ना, किसी के साथ भी मिक्स होना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बस में सीट नहीं है, एक छोटा सा बच्चा, एक बड़कू सा बच्चा, बड़कू से बच्चे को कोई सीट नहीं देगा, छोटू बच्चे को तो कोई भी सीट दे देगा आसानी से। दूसरी बात, इनका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है। अब क्योंकि लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, इलेक्ट्रॉन विच कैरी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को कोई एक्सेप्ट तब करेगा ना, तब लेगा ना, जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा रहे, ठीक है। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स। इनके पास डी ऑर्बिटल होता है वैकेंट, और उस खाली डी ऑर्बिटल में ये, कोई बोलता ना कि लिगेंड मेरे को इलेक्ट्रॉन देने, बताओ तुम्हारे पास जगह, एक आम दे, खाली जगह पड़ी हुई है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटलिस्ट। ये शब्द मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस, है ना, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ, कैटलिस्ट किसे कहते हैं भैया? वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं, और उन पर खुद पे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि N2+3H2, है ना, ये बड़ी फेमस प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस बोलते हैं इसे, ठीक है ना। और इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए, हम यहाँ पर आयरन का यूज करते हैं, आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। जैसे एक दूसरी है 2SO2+O2, ठीक है, 2SO3, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में एक स्टेप है ये, और यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट का यूज करते हैं V2O5। जैसे कि हमारे पास है C2H4, इसको प्रॉपर करके दिखाता हूँ, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें जोड़ देंगे हम लोग क्या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और ये बन जाएगा CH3CH3। ये सुना होगा, इट इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजिनेशन करते हो तो क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड से क्या हो जाते हैं भैया? सैचुरेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। अब अगली बात पे आते हैं, तो क्या है ये कैटलिस्ट है, या एक दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे ना, अब स्कूल लेवल की लड़ाइयां कैसे होती हैं भाई, बताओ? दो तीन बात पे हो सकती है, या तो कुछ गाली गलौच हो गया होगा, है ना, या मतलब लड़की का चक्कर भी हो सकता है बाबू भैया, मान के चलते लड़की का चक्कर है, ए और बी की लड़ाई होगी, ए की गर्लफ्रेंड बी ने छेड़ दी, बी ने ट्राई करा उस पर, एंड ये बात पता चल गई है, मतलब इन्होंने टाइम रख लिया कि चलो ठीक है स्कूल के बाद मिलते हैं। स्कूल में तो जनरली ऐसे होता है ना कि चलो स्कूल के बाद आ जाओ भाई, स्कूल के बाद देख लेंगे। तो ये बात पता चल गई एक सी नाम के स्वादी को, स्वादी मतलब होता है मजे लेने वाले, जो जनरली होते ही हैं दुनिया में।
तो सी नाम का बंदा गया ए के पास, सुनो भाभी छेड़ दी भाई, पी के पास गया, देख यार लाइक तो वो तुझे करती है, मैंने देखा हुआ। फिर ए के पास गया, भाई तेरा खून नहीं खोल रहा क्या, पूरा स्कूल जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना सच्चा प्यार करते हो, उसकी हिम्मत कैसे होगी। फिर बी के पास गया, भाई देख इस काम में मैं तेरे साथ हूँ, अबे ए की तो शक्ल अच्छी नहीं है, भाई जोड़ी तो तुम दोनों की बढ़िया लगेगी। फिर ए के पास गया, यार एक तो भाभी छेड़ी थी और ऊपर से गालियां दे रहा है, तो सुन के इसने भी एक आधी गाली दे दी। बी के पास गया, अब यार जब बाहर का टाइम रख ही लिया है तो फिर गाली गलौज करने क्या मतलब, वो तो तेरे परिवार में सबको गालियां दे रहा है। अब जो लड़ाई स्कूल के बाद होने वाली थी है ना, फुल टाइम वो लड़ाई फुल टाइम का वेट नहीं करेगी भाई, वो मे भी अगले पीरियड में तैड़ फैड हो जाए। तो सी ने यहाँ पर किसका रोल प्ले किया है, सी ने यहाँ पर रोल प्ले किया है पॉजिटिव कैटलिस्ट का, और पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं हम लोग, विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ आर रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है, मान के चलो एन नाम का कोई बंदा है, वो ए के पास गया, सुना है भाभी छेड़ दी। फिर बी के पास गया, क्यों छेड़ी, बी ने कहा भाई वो मेरे को देख रही थी, अरे भाई उसकी तो आंखों में फर्क है, वो सबको ऐसे देखती है। फिर ए के पास गया, भाई तुम दोनों एक गांव के हो, लड़की के ऊपर लड़ाई करोगे यार। बी के पास गया, अरे वो तो तुझे बिल्कुल सगे भाई की तरह मानता है और तूने लड़ाई का टाइम रख लिया। फिर ए के पास गया, भाई वो तो सॉरी भी फील कर रहा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी। बी के पास गया, यार तुम अच्छी बातें हैं तुम्हारी, ऐसे जनरली देखने को नहीं मिलते हैं बट मान के चलते है। और ये भाई साहब यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहे होंगे, ये भाई साहब यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे होंगे, और नेगेटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं, विच डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, कई सारे रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रिएक्शंस को होने के लिए ना एक सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो होते हैं ये पाउडर फॉर्म में ना बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पर रिएक्शन ईजिली होकर प्रोडक्ट बना देती हैं। और इसका एक दूसरा बड़ा रीज़न है दैट दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, तो जिसको जितने की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन देकर उसका काम चला के प्रोडक्ट बनवा देते हैं, ठीक है ना। लिखा गया है दैट दे हैव एबिलिटी टू अडोप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं और इसी वजह से अच्छे कैटलिस्ट हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो कलर्ड आयंस तो दादा ये बनाते हैं बहुत बढ़िया वाले कलर, रंग बिरंगी है जिंदगी इनकी, और रंग बिरंगी जिंदगी उसी की है जो सिंगल है, पेड़ होके तो जिंदगी रंग हीन हो जाती है, क्या हो जाती है भैया, रंगहीन, और अदरवाइज आप लोगों की जिंदगी भी क्या है, रंगीन है, ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट, इफ और लिखा गया है इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, और क्यों होता है इसका, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। सर डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, मान के चलो डी में इलेक्ट्रॉन है, यहां से ये जंप करके इधर चला जाएगा, टी टू जी से ई जी में जंप कर जाएगा, और इसी वजह से याद रखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डी डी ट्रांजिशन होना चाहिए डी से दूसरे डी में। देखिए जनरली जो मेटल का कलर होता है ना, जितनी मेटल को देख लो, एक गोल्ड को छोड़ दो और एक कॉपर को छोड़ दो, जितनी मेटल्स आप लोगों को नजर आ रही होंगी उन सबका कलर सिल्वर होता है। अब जो वो मेटल्स होती हैं वो डिफरेंट कलर शो कब करती हैं, या तो आप उनको एक्साइट करो या तो उनको हीट दो, तब लोहा रंग बदलता है, ठीक है ना। अदरवाइज लोहे को कर देखो वो सिल्वर कलर का होता है, चांदी भी सिल्वर कलर का होता है, प्लैटिनम भी सिल्वर कलर का होता है, जो भी देख लो यार सिल्वर कलर का ही होता है। तो सीन क्या होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे एक्साइट होके ऊपर वाले डी में चले जाएंगे, और इसी को डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं, और इसी वजह से वो कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए आपसे, अच्छा यहाँ पे ना कौन कौन सा कलर शो करेगा ये डिसाइड करता है एक कलर व्हील, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, कलर व्हील अच्छी तरह से सर्कल सा लग नहीं रहा, लगेगा कैसे, था ही नहीं।
ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रेड। और इसमें क्या क्या आएगा, विब ग्योर, विब ग्योर, आई गायब हो जाता है इधर। अगर कोई सब्सटेंस मान लो कि वॉयलेट कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो येलो कलर एमिट करेगा, येलो कलर शो करेगा, और येलो की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो वॉयलेट कलर। सिमिलरली अगर कोई ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ऑरेंज कलर शो करेगा, ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू कलर, रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड, ये वाला फंडा होता है। और आपसे पूछा जाता है जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर कलरलेस। भाइयों की जिंदगी जो है रंगहीन है, ऐसा क्यों, क्यों होगा भाई ऐसा? बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनका जो डी ऑर्बिटल है ब्रो वो फुली फिल्ड है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, सो नो डीडी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो डीडी ट्रांजिशन इज पॉसिबल। So it is colorless, ठीक है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी, और डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी तो भाई साहब ये कलर भी शो करेंगे नहीं। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा सबको यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, फील आ रही होगी। नेक्स्ट है भाई साहब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहा जाता है बेटा? चार्ज अपियर ऑन एटम्स, चार्ज अपियर ऑन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल में एटम्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास है CaO, अगर आप इसे ब्रेक डाउन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, Ca2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है। जैसे हो गया हमारे पास NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बेटा जो चार्ज आया है ना, ये जो चार्ज आया है C के ऊपर 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, ये जो चार्ज है, दिस चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चार्ज को ही हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और याद रखिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लिखा गया है शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसका एन माइनस वन डी एंड एन एस स्टार्टिंग में क्या होगा, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एस 0 से 2 थी, एन माइनस वन डी 1 टू 10 थी। इनमें ना इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एन एस के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं और एन माइनस वन डी के भी, मतलब 4s वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे और 3d वाले भी। अब दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो मजा आएगा ना बिडू, ठीक है। तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अब आप देख लो आपके सामने है, स्कैंडियम प्लस 3 शो कर रहा है, टाइटेनियम प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, वैनेडियम प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यहां से कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा, राइट द नेम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो जिंक ट्रांजिशन नहीं है, स्कैंडियम ट्रांजिशन है, स्कैंडियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब आपसे पूछा जाए कि 3D सीरीज में वो कौन कौन से एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, वो है स्कैंडियम जो कि प्लस 3 शो कर रहा है, वो है जिंक जो कि प्लस 2 शो कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन का आ सकता है, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? दैट इज मैग्नीज, जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? दैट इज ऑस्मियम विच शो प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। और कॉपर भैया दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, प्लस 1 भी प्लस 2 भी, और इनकी प्लस 2 ज्यादा स्टेबल होती है। ऐसा क्यों होता है सर? देखो ये प्लस 1 है, इसको पानी में डालेंगे तो भाई साहब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन? मतलब जब मैंने पहले साल पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, मेरे से बोला ही नहीं जाता था डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं? इन विच सेम एलिमेंट शो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी शो करता रहे और
रिडक्शन भी शो करता रहे उसे ही आप लोग क्या बोलते हो, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कि ये देखो Cu1 पॉजिटिव है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू भी हो रही है और जीरो भी हो रही है। प्लस टू मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन है इस पर, ठीक है ना। और प्लस वन से जीरो हो रही है, इट मीन्स इस पर रिडक्शन है। अब ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इनको मजबूर कर देंगे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने पे, वही इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना ज्यादा। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है, ऑक्सीजन। अरे सर ये क्या मजे ले रहे हो आप, मेरी बातें तो मजे ही लगेंगी भाई तुम्हें। हाँ तो फिर बोलो ना, फ्लोरीन क्यों नहीं शो कर रहा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, शायद याद आए तुम्हें, सुना भी होगा। जैसे MnO4 नेगेटिव है, या प्रॉपर बताऊँ तो KMnO4 होता है। यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Mn को क्या मान लोगे, X, ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पोटेशियम कितने हैं 1 ही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इज इक्वल टू 0। तो ये +1 प्लस एक्स, 4 × -2 इज -8 इक्वल टू 0, +1 - 8 इज -7 इक्वल टू 0, एंड एक्स इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई 7 हो गई। अब ऑक्सीजन क्या, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा MnO ऐसे नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बनाने की शक्तियां हैं, फ्लोरीन के पास डबल बॉन्ड बनाने की शक्ति नहीं है, फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। लिखा भी गया है दी एबिलिटी, भाई साहब नोट्स A1 बना रखे हैं, और अब उसमें ना जब आपको मतलब एक दो दिन बाद जब मिलेंगे वो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे सभी नोट्स में, तो मजा आ जाएगा, बस पढ़ लो। टर्म वन में बहुत सारे बच्चों को फुल आउट ऑफ फुल आए हैं, जो पेड बैच के थे या फिर जो यूट्यूब पे पढ़े थे, बस तुमने अपना काम करना है, अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे, वो टेंशन मत लो। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबिलाइज दिस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरिन बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड वाइल फ्लोरिन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। इसी वजह से तो जो हाईएस्ट फ्लोराइड है वो MnF4 है, जहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और जो हाईएस्ट ऑक्साइड है वो Mn2O7 है, जहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, मैंने ही करवाया है अभी रिसेंटली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट भी देख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए बाबू भैया, फंडा क्या है, फंडा कुछ ऐसे है, जब आप एक मेटल को ना, किसी भी मेटल को, मान के चलो ये हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डाल दोगे, बहुत गंदा किया है तो मैंने, ठीक है, उस मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड का मतलब है कंडीशन स्टैंडर्ड रखी गई है, ठीक है, या फिर दूसरे शब्द में आप लोग इसे क्या कह सकते हो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन when it is placed in its own solution, जब हम इसके खुद के सोल्यूशन में डालते हैं, और याद रखिए, और कंडीशन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, प्रेशर होगा 1 एटमोस्फेरिक, और कंसेंट्रेशन होगी 1 मोलर, ठीक है ना। अब देखो, अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, रिडक्शन वाले को ही बोलते हैं, ठीक है ना।
चलो, अभी जो बेटा जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लिखा गया है द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट फर्दर डिपेंड्स अपॉन, तीन तरह की एनर्जी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटमाइजेशन एंथैल्पी या फिर सब्लिमेशन एंथैल्पी कह सकते हो, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। तीन तरह की एनर्जी होती है, एटमाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड लास्ट हाइड्रेशन एनर्जी। अब सर एटमाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एटमाइजेशन एनर्जी क्या किसे कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ सॉलिड इनटू वन मोल ऑफ गैस। आप एक सॉलिड को पहले गैसेस मोल में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, आप उस गैसेस मोल में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं बेटा, जब वो आयन जो बन चुका है, वो जो गैसेस आयन इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बना है, आप उसको पानी में डाल दोगे, पानी उस आयन को घेर लेगा और वहां से एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब इन तीनों तरह की एनर्जी को सम किया जाता है और ये सम जनरली नेगेटिव आता है, जनरली सिर्फ एक केस में पॉजिटिव आता है, कॉपर केस में नेगेटिव आता है। और इसी वजह से इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर कह लीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा, वो नेगेटिव आता है। अपने सीरीज देखी भी होगी, मोस्टली एलिमेंट्स की वैल्यू माइनस में होती है, कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू प्लस में होती है, कुछ एलिमेंट्स की, ठीक है, क्यों होती है वो भी देखते हैं। चलो अब देखो यहां पर एक एक एनर्जी मैं बता दे रहा हूं। ये एक सॉलिड था, सॉलिड से सबसे पहले आपने गैस बनाई, तो एटमाइजेशन एंथैल्पी जो कि पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव कौन सा समझते हो, कि आपने एनर्जी देनी पड़ रही है। ऑब्वियसली अगर आप सॉलिड से गैस बना रहे हो तो वहां से एनर्जी निकलेगी तो नहीं ना भाई, एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर आपने उस गैसेस आयन में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगेन एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज डेल्टा इज पॉजिटिव। अब इस गैसेस आयन को पानी में डाल दिया, एक्वस हो गया गैसेस आयन, तो क्या होगा बेटा, अब एक्वस हो गया, पानी ने घेर लिया, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और यहां पर डेल्टा एच क्या आएगा, आएगा नेगेटिव आएगा। अच्छा यहां पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, मैं कोशिश करता हूं इसको अगले पेज पे लिख लेने की, ठीक है। अब दो तीन बातें यहां से समझना बेटा, इसको याद कर लेना अच्छे से पीयूसी प्लीज। और प्लीज एक और हम्बल रिक्वेस्ट करो, मुझे पता है मेरे को तुम ज्यादा सीरियस लेते नहीं हो, ठीक है ना, और सीरियस कैसे ले, आप मजाक कितने करते रहते हो, पेपर में नंबर आ जाएंगे। चलो अब देखो ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल है, -1.63 -1, सबके माइनस में है, सिर्फ एक भैया है, कॉपर भैया। अब जो कॉपर भैया है ना, इनकी वैल्यू प्लस में आती है, क्यों सर इनकी वैल्यू प्लस में क्यों आती है, क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इनकी जो एटमाइजेशन एनर्जी है, वो बैलेंस नहीं की जा सकती किसके द्वारा, हाइड्रेशन एनर्जी के द्वारा, और इस वजह से वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है। अच्छा एक और बात, चलो समझ में आ गया बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी जनरली सबकी ज्यादा नेगेटिव रहती है और ज्यादा नेगेटिव रहेगी तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी सबका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा भाई, क्लियर है ना। अब कॉपर जो है पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, चलो बहुत शानदार सर। अब देखो दो तीन बातें यहां से आपको जो याद रखनी है, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड फॉर M2 पॉजिटिव बाय M, ये रिडक्शन हो रही है शायद आपको पता हो, ये प्लस टू से जीरो जा रहे हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। अब तुम खुद मुझे बताओ यार, मेटल रिडक्शन शो करना पसंद करेंगी क्या, मेटल रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, मेटल का स्वभाव नहीं होता इलेक्ट्रॉन लेना, वो नहीं लेना पसंद करती, वो जनरली देना पसंद करती है, और इसी वजह से उनकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है उनका वो नेगेटिव आ रहा है, उन्हें नहीं पसंद है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी फिक्स भी नहीं है कि एक ट्रेंड बिल्कुल फिक्स वैल्यू हो, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, तो किसी की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, किसी की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो सबका जो सब निकाला जाता है, तो अच्छा ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कॉपर की जो वैल्यू होती है वो अकेली है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऐसा काहे है, क्योंकि जो कॉपर है भाई साहब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है एज कंपेयर टू द सम ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, इस वजह से उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। अच्छा अब देखो जो सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए ना, लीटा कार आली ट्रिक पूरी बता देना, जो हाइड्रोजन से ऊपर है इट मींस वो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पसंद करते हैं, तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जो हाइड्रोजन से नीचे है दैट इज कॉपर सिल्वर
गोल्ड, अगर आप इन्हें एसिड में डालोगे ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। सिर्फ कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है? जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल नेगेटिव है, मीन्स वो रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन चाहते हैं, और जब वो ऑक्सीडेशन चाहेंगे तो एसिड में से, देखो मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ, समझो जैसे कि हमारे पास एक एसिड है HCl, ठीक है, इधर है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है जो इससे ज्यादा एक्टिव है, और इससे ज्यादा एक्टिव कौन है जो इससे सीरीज में ऊपर है। अब इसकी खुद की वैल्यू तो जीरो होती है ना, अब इससे ऊपर इट मींस उसकी वैल्यू, उन सबकी वैल्यू माइनस है। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि जिनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल माइनस रहेगा वही एच टू गैस लिबरेट करते हैं, सिर्फ वही हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं ब्रो। आगे यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, किसी भी मेटल की अगर केमिकल रिएक्टिविटी देखनी है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के। आपको भी पता है डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ता है, रिएक्टिविटी घटती है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिएक्टिविटी घट रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। देखो ना, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ना मतलब रिडक्शन करवाने की पावर बढ़ना, अगर कोई खुद पे रिडक्शन करा रहा है मतलब उसकी वजह से दूसरे पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है। एंड रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E0। ई नॉट इज वेरी लेस एक्सेप्ट कॉपर, सो दीज मेटल आर हाईली रिएक्टिव। कॉपर को छोड़कर जितनी मेटल वो बहुत रिएक्टिव होती हैं। ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ती हैं, क्योंकि मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं, ऑक्सीजन लेना पसंद करता है, तो बढ़ जाती है। अच्छा, एसिडिक करेक्टर और जो आयनिक करेक्टर होते हैं बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट के। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, बट उनमें से जो मोस्ट फेमस है ना भाई, वो दो होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और जो हमारे सिलेबस में भी हैं। फर्स्ट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सेकेंड इज पोटेशियम परमैंगनेट। एंड फॉर श्योर मैं बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इनसे रिलेटेड, ज़्यादा हो सकते हैं कम नहीं होंगे, है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7 एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4। देखो यार, डोंट नो वाई कि बच्चे बहुत इससे डरते हैं, हाँ थोड़े से मुश्किल हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं और प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे से करनी है। देखो मेहनत का कोई वो कहते हैं ना कि रिप्लेसमेंट नहीं है, वो आप उसको किससे रिप्लेस नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा वर्ड है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है, लिखवा भी देता हूँ इधर दोबारा से। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओर ऑफ आयरन, इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम ओर ऑफ आयरन, और वो आयरन का ओर क्या होता है उसे हम लोग बोलते हैं फेरोक्रोमेट, फेरोक्रोमेट। और फेरोक्रोमेट क्या होता है भाई? FeCr2O4। इसकी प्रिपरेशन में बेटा जी तीन स्टेप देखने को मिलते हैं आपको। सबसे पहले आप लोग लेते हो फेरोक्रोमेट और फेरोक्रोमेट को कन्वर्ट कर देते हो किसमें? सबसे पहले सोडियम क्रोमेट में, ठीक है, फेरोक्रोमेट से बनाते हो सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट से बनाते हो सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से बना देते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये तीन स्टेप होते हैं, ठीक है, सोडियम क्रोमेट, फेरोक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब फेरोक्रोमेट के साथ क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको ट्रीट करते हैं विद NaOH, ट्रीट कर सकते हो या Na2CO3 के साथ ट्रीट कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फिर जो सोडियम क्रोमेट बनता है, डाइक्रोमेट बनाना है तो इधर हम ले लेते हैं H पॉजिटिव, और सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए आप लोग इधर क्या ले सकते हो? KCl ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास फेरोक्रोमेट है, फेरोक्रोमेट क्या होगा? FeCr2O4 होगा। आप लोग उसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ बेटा? Na2CO3 एंड एयर के साथ। देन आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा Na2CrO4 में। अब फिर जब भी आपके पास सोडियम क्रोमेट होगा, आप उसे एसिड में, एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो वो हो जाएगा Na2CR2
O7 के साथ ट्रीट Na2Cr2O7 जो कि सोडियम डाइक्रोमेट होता है। अच्छा, इसका कलर होता है येलो, ये जो सोडियम क्रोमेट बना है, और ये जो डाइक्रोमेट होता है ना, इसका कलर ऑरेंज होता है। अब आप लोग इसकी रिएक्शन KCl के साथ करवाओगे तो सोडियम रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा K2Cr2O7। इतनी इजी सी है प्रिपरेशन। बाकी अगर आप इसको चाहो तो आप इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हो, जैसे कि स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर वन क्या है भाई? स्टेप नंबर वन है कन्वर्जन ऑफ फेरोक्रोमेट इंटू सोडियम क्रोमेट। फेरोक्रोमेट को किस में कन्वर्ट करने वाले हो? सोडियम क्रोमेट में। स्टेप नंबर टू, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को किस में कन्वर्ट करोगे? इंटू सोडियम डाइक्रोमेट में। हुआ था ना ये, सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर दोगे बेटा जी। और स्टेप नंबर थ्री क्या है? स्टेप नंबर थ्री में आप लोग क्या कर देने वाले हो? कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इंटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना? तो देखिए, जैसे सबसे पहले आपके पास है फेरोक्रोमेट। फेरोक्रोमेट का फॉर्म होता है FeCr2O4। आप लोग उसको ट्रीट कर दोगे विद Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि O2। तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा? सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला Na2CrO4। ठीक है, इसके अलावा दो तीन चीज़ें और बनती हैं यहाँ पर, जैसे कि इधर बन जाता है Fe2O3। इसके अलावा आपका बन जाता है इधर क्या बन जाएगा भाई? CO2 बन जाएगा। CO2 गैस भी इधर रिलीज हो जाने वाली। आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके पास सोडियम क्रोमेट बना है Na2CrO4, अब Na2CrO4 को आप किसके साथ ट्रीट करने वाले हो? विद एसिड हो गया मान के चलो HCl। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको बन जाएगा Na2Cr2O7 प्लस में वाटर एंड प्लस में क्या बन जाने वाला है भाई? 2NaCl। ठीक है, मेन बात आपने जो फोकस करना है वो ये, फेरोक्रोमेट से बना दिया है सोडियम क्रोमेट से बना दिया है सोडियम डाइक्रोमेट। अब क्या करोगे? जो सोडियम डाइक्रोमेट है Na2Cr2O7, उसके साथ ट्रीट करोगे आप KCl, टू टाइम्स ऑफ KCl, तो ये एक दूसरे की जगह पे ये क्या बन जाएगा? K2Cr2O7 और प्लस में टू टाइम्स ऑफ NaCl। कहाँ दिक्कत आ रही है? बन गया भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। अब देखिए, आपके पास दो बातें हैं, दो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। पहला है जो आपको पता होना चाहिए, एक होता है आपके पास क्रोमेट आयन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है क्रोमेट आयन और एक होता है डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन सोडियम क्रोमेट, वो Na2CrO4 है ना, यानी कि अगर आप उसे आयन से ब्रेक करोगे तो CrO4 टू नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप इसको आयन से ब्रेक करोगे तो Cr2O7 टू नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिए कि इसका कलर, क्रोमेट आयन का कलर क्या होता है? येलो, और डाइक्रोमेट आयन का कलर क्या होता है बेटा? ऑरेंज होता है। वैसे ये आपके इंटरकन्वर्टिबल भी होते हैं, आप क्रोमेट आयन को डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट कर सकते हो, डाइक्रोमेट को क्रोमेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। करना क्या है देखिए, क्रोमेट से डाइक्रोमेट करने के लिए आपको एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, ठीक है, और डाइक्रोमेट से क्रोमेट करने के लिए आपको बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा। बोले तो pH जो होगा इधर वो होगा less than 7, ठीक है ना, less than 7 जो होता है तब एसिडिक रेंज होती है। पता है ना, pH स्केल होती हैं, वैल्यू होती हैं, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से इस तरफ A का इलाका होता है, इस तरफ B का इलाका होता है, A बोले तो एसिड एंड B बोले तो बेस हो जाता है। ठीक है बेटा, अब अगली बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, तो अगर यहाँ पर pH आपका more than 7 हो जाता है तो बेसिक मीडियम है। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर पूछ ले जाते हैं, तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो? Cr(OO), ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा दो, और Cr2O7 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? CrOCr, ठीक है ना, और बाकी डबल बॉन्ड ओ, इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप लोग इजीली बना सकते हो। अब इसकी ना कुछ रिएक्शन होती हैं, जैसे दो रिएक्शन इसकी बहुत फेमस होती है, एक तो ना बहुत फेमस टेस्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमिन क्लोराइड टेस्ट।
कौन सा टेस्ट मेरे भाई? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अब ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है सर? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट यूज किया जाता है जो स्ट्रोंग आयनिक क्लोराइड होते हैं ना, ये एक टेस्ट है जो कि यूज किया जाता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, या क्लोराइड आयन कह लीजिए या कह लीजिए प्रेजेंस ऑफ आयोनिक क्लोराइड, ठीक है, जैसे NaCl, जैसे KCl, इस तरह से। अब क्या करते हो बेटा, जब आप इसको चेक करते हो तो आप किसी भी जगह पे क्या लोगे, जैसे K2Cr2O7 ले लिया, या आपने क्या ले लिया Cr2O7 टू नेगेटिव ले लिया, है ना, या आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है, मान के चलो उधर Cl नेगेटिव भी है, आप इधर क्या कर दोगे, एसिड डाल दोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर क्या बन जाएगा CrO2Cl2, इसे क्रोमिल क्लोराइड बन जाते हैं। वो जो सॉल्यूशन आपने लिया है वो रेडिश ब्राउन कलर का क्रोमिल क्लोराइड में कन्वर्ट होने लग जाता है। मैंने क्या बोला है कि अगर कहीं पर क्लोराइड आयन है NaCl की फॉर्म में, KCl की फॉर्म में, आपको चेक करना है कि हाँ भाई है, तो आप क्या करोगे NaCl KCl को डाल दोगे, या उसके वेपर्स भी रहेंगे तो उनको आप डाल दोगे, तो उसके बाद क्या करने वाले हो आप लोग, उसमें डाल दोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड थोड़ा सा एसिड, देन आप देखोगे कि वो क्लोराइड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमिल क्लोराइड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और हम बोल देंगे कि हाँ यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है प्रेजेंट है। मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, अगर ज़्यादा अच्छे से देखना है, देखिए लिखा भी गया है दिस टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड आयन्स ड्यूरिंग सॉल्ट एनालिसिस, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड विद कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड अ सॉल्ट हैविंग Cl नेगेटिव, एग्जांपल है NaCl KCl। अच्छा, नोट्स में बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर सर्च कर लो D&F ब्लॉक एलिमेंट्स डिजिटल नोट्स बाय भारत पंचाल सर, रेड इज ब्राउन वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड आर ऑब्टेंड, ये आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये NaCl KCl है, आपने H2SO4 डाल दिया, देन आपको क्या ऑब्जर्व हो जाएगा यहाँ पर CrO2Cl2 CH4 3H2, ये साइड प्रोडक्ट होते हैं, इतने मैटर नहीं करते कि आप लोग साइड प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाना ही है। अब अगली बात कर देते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद H2O2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन विद H2O2, ठीक है, जैसे आपके पास डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2-. अच्छा, ये जो डाइक्रोमेट आयन है ना, इसकी प्रॉपर्टी जो उभर उभर के आती है ना, है ना, ये जो वो कहते हैं ना अपने रंग दिखाना स्टार्ट करता है या अपनी हरकतें दिखाना स्टार्ट करता है, वो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में इसकी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होती हैं। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन परोक्साइड ले लिया, देन आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये CrO5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और CrO5 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई इस तरह के, बड़ी गंदी बटरफ्लाई है सर, मेरी ड्राइंग ऐसी है, दैट्स व्हाई गंदी है, वरना ये बटरफ्लाई बहुत अच्छी है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बहुत ज़्यादा बच्चे CrO5 में जब CR के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लगते हैं तो वो आ जाती है उनकी +10, बट +8 से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं बोल रहा हूँ कि +10 तो नहीं आएगी, +8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे पता चले आप लोगों ने 11th क्लास कितने अच्छे से की है। क्लू दे देता हूँ, यहाँ पर परोक्साइड लिंकेज है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भैया इसकी अगली प्रॉपर्टीज पर। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, याद रखिए जब भी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालते हो एसिड की प्रेजेंस में, भाई साहब कन्वर्ट हो जाते हैं Cr3+ में। आप यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +6 और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, निकालनी आती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। Cr2O7 में क्रोमियम को x मान लो, क्रोमियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 7, ये -2 = -2, ये 2x माइनस का 14 उधर गया, 14 - 2 2x - 14 14 - 2 = 12 एंड x कितना आ गया 6, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो 6 से 3 हो रहा है, इट मीन्स ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, मतलब जब हम डाइक्रोमेट आयन लेते हैं तो उस पर खुद पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन होती है, और जब उस पर खुद पे रिडक्शन हो रही है तो वो कौन से एजेंट का काम करेगा बेटा जी, वो एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टीज देखो, और पेपर में ना तुम डरते हो, आई नो, ठीक है, 2 सालों CBSE ने निकाल दिया था ये डर बच्चों का, बट पेपर में आ गया तो आप लोगों ने किस तरह से डील करना है मैं बताता हूँ, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। पेपर में आपको लिखा होगा कि भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में है और उधर आयन एक्टिव है, तो बताओ वो किस में कन्वर्ट होगा, आप लिख देना कि सर वो तो I2 में कन्वर्ट होगा,
H2S है, यानी कि सल्फर पे 2 नेगेटिव है, तो बताओ वो किस में कन्वर्ट होगा, सल्फर में कन्वर्ट होगा। भैया दूसरों के ऑक्सीडेशन को आएगा ना, अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, इधर 0 है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जब इसमें खुद पे रिडक्शन हो रही है तो दूसरों को तो ऑक्सीडेशन कराएगा। अब आपको ये देखना है कि किसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, आपने थोड़ा सा इस पर टाइम लगाना है। लाइक अगर आपके पास SN2 पॉजिटिव आ गया, SN2 पॉजिटिव से क्या बना देगा, SN4 पॉजिटिव बना देगा, गलत लिख रहा हूँ, SN4 पॉजिटिव बना देगा मेरे भाई, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है, Fe2 पॉजिटिव से क्या बना देगा ये, Fe3 पॉजिटिव बना देगा। Cl नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है से क्लोरीन बना देगा, ब्रोमाइड आयन है से ब्रोमीन बना देगा, ठीक है ना। नाइट्राइट है, NO2 नेगेटिव है तो उससे क्या बना देगा, NO3 बना देगा। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो आप, बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। SO3 2 नेगेटिव है, सल्फाइड है, सल्फाइड से सल्फेट बना देगा, ठीक है। मान के चलो आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल से क्या बना देगा भाई, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना देगा, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत देखोगे आप लोग। और एल्डिहाइड से किस में बदल देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आपने बेटा जी थोड़ा सा टाइम जो लगाना है वो इस पे लगाना है कि किसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, खुद पे रिडक्शन करता है, दूसरों पे ऑक्सीडेशन। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि बताइए, एक्सप्लेन द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, और आपको दिया होगा कि आपके पास आई नेगेटिव है। तो सबसे पहली बात, Cr2O7 2 नेगेटिव है, जब आप उसे एसिडिक मीडियम में डालोगे तो क्या बन जाएगा, Cr3 पॉजिटिव। और अगर आई नेगेटिव है तो आई नेगेटिव की ऑक्सीडेशन करा के क्या बना देगा, I2, तो ये क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस आई नेगेटिव, यहाँ पर एच पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, Cr3 पॉजिटिव बन जाएगा एंड I2 बन जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने देखना होता है, ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी भैया, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, और इसका भाई होता है पोटेशियम परमैंगनेट। बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की, कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्या फंडा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। आपने देखा होगा कि ना मैं कई बार शॉर्ट्स बनवाता हूँ, है ना, वो यूट्यूब पे YT शॉर्ट्स होते हैं, और मोस्टली जो केमिकल का यूज़ किया जाता है वो KMnO4 का यूज़ किया जाता है। मैं रीज़न बताता हूँ कि ना बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया, मतलब कहीं पर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है दे देता है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन में आग लगा देता है। और इसकी बढ़िया बात ये है कि ये ना चाहे एसिडिक मीडियम हो, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट था, पोटेशियम डाइक्रोमेट कब उछलता है, जब उसको एसिड मिलता है, ठीक है ना, वो एसिड की प्रेजेंस में हरकतें करता है। बट ये भाई साहब हर एक चीज़ की प्रेजेंस में, चाहे पानी हो, एसिड हो, या न्यूट्रल मीडियम भी हो, कुछ भी हो, पानी हो जाए, एसिड हो जाए, बेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर जगह ये भाई साहब रिएक्शन कर जाते हैं, खतरनाक बनता है KMnO4, है ना। तो बनाया किससे जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओर ऑफ मैगनीज, फ्रॉम द ओर ऑफ मैगनीज, मैगनीज के ओर से इसे बनाया जाता है। वो मैगनीज का ओर कौन सा है भाई, उस ओर का नाम है पायरोलुसाइट। क्या है, पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट का फॉर्मूला होता है MnO2। अगर मैं बात करता हूँ इसकी प्रिपरेशन की, तो इसकी प्रिपरेशन में 2 स्टेप होते हैं, इट्स प्रिपरेशन इन्वॉल्व 2 स्टेप, कौन कौन से। सबसे पहले हम लोग पायरोलुसाइट से क्या बना देते हैं, पोटेशियम मैग्नेट बना देते हैं, ठीक है। और दूसरा पोटेशियम मैग्नेट से क्या बना देते हैं भाई, पोटेशियम पर मैग्नेट बना देते हैं, ठीक है। इसका पहला स्टेप भी लगभग उसी तरह से होता है जैसे MnO2 है और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दोगे आप लोग, जैसे उसमें Na2CO3 के साथ रिएक्शन थी ना पहले स्टेप में, आप NaOH के साथ भी रिएक्शन करवा सकते थे। सिमिलरली इसमें भी आप लोग किसके साथ रिएक्शन करवा दोगे, बेसिक मीडियम में करवा दोगे, जैसे कि आपने इधर क्या ले लिया, KOH ले लिया, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट किया, ये 2 2 4, तो ये हो जाएगा K2MnO4। बहुत कुछ बैलेंस हो चुका है इधर, बाकी बचेगा क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2H2O बचेगा। अब ये जो K2MnO4 है, ठीक है, 2 times of K2MnO4 है, से आप लोगों ने क्या बनाया, 2 times of KMnO4, सब कुछ बैलेंस है, बस ये
पोटेशियम एक्स्ट्रा है, तो इसको उड़ाने के लिए Cl2 ले जाएंगे और यहाँ पर हमारा पास क्या बन जाएगा, 2KCl बन जाएगा। ठीक है, तो एक ही हमारे पास पोटेशियम मैग्नेट है और एक ही हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट है। ये जो पोटेशियम मैग्नेट है इसका कलर होता है ग्रीन, और ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है इसका कलर होता है ऑरेंज। ठीक है ना, अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये भाई साहब हर जगह खतरनाक होते हैं, हर जगह, चाहे आप एसिड में लो चाहे बेस में लो। ये एक देखो, जिसके पास ऑक्सीजन होते हैं ना वो दूसरों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, वो उधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं ये बेसिक मीडियम में किस तरह से रिएक्शन करते हैं, बेसिक मीडियम में या फिर न्यूट्रल हो तब किस तरह से। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना, या फिर एसिडिक हो तब किस तरह से। पेपर में आएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में है और आई नेगेटिव भी है, उधर बताओ उधर क्या होगा, तो आप कर लोगे। देखो यहां पर हमारे पास है MnO4 नेगेटिव, क्या है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, तो बेसिक मीडियम में क्या होने वाला है, ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn किसमें भाई, O4 2 नेगेटिव में। यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, और यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव में। ठीक है, अगर आप यहां से आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 1 का डिफरेंस, इधर आ रहा है 3 का डिफरेंस, इधर आ रहा है 5 का डिफरेंस। ठीक है, तो इसको याद रख लेना 1, 3, 5 कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस, भैया मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होगी, इधर 2 है तो कितने का डिफरेंस हो गया 5, इधर 7 होगी, इधर कितनी है 4 है, 3 का डिफरेंस है, इधर 7 होगी, इधर कितना आएगा भाई 6 आएगी, तो 1 का डिफरेंस है BNA। ठीक है ना, 1, 3, 5 बेस न्यूट्रल एंड एसिडिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की, कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, किस तरह से आप लोगों को देखने को मिलती है। देखो भाई, जनरली आपसे जो पूछी जाएंगी वो एसिडिक मीडियम में पूछी जाएंगी, एसिडिक मीडियम में पूछी जाने वाली है, और एसिडिक मीडियम में जो पूछी जाएंगी वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी है जो किसकी थी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की थी। किस तरह से बोल रहे हो सर, मैं बताता हूँ। आई नेगेटिव से क्या बन जाएगा, आई नेगेटिव से बन जाएगा I2। Cl नेगेटिव से क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव से बन जाएगा Cl2। ठीक है, Br नेगेटिव से क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव से बन जाएगा Br2। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, Fe2 पॉजिटिव से बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव। Sn2 पॉजिटिव से क्या बन जाएगा भाई, Sn2 पॉजिटिव से बन जाएगा Sn4 पॉजिटिव। S2 नेगेटिव से क्या बन जाएगा, S। ठीक है, SO32 नेगेटिव से क्या बन जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, NO2 नेगेटिव से क्या बन जाएगा, NO3 बन जाएगा। आई थिंक मोस्टली कवर कर ली। ठीक है, और इसमें एक नई जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी ऑक्सालेटो वाली। ठीक है, ऑक्सालेटो होता है C2O4 2 नेगेटिव, और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि नहीं, ये C2O4 2 नेगेटिव से क्या बन जाएगा आपका, CO2 बन जाने वाला है, एसिडिक मीडियम में ये है। ठीक है ना, कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन ये रही, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, और अगर यहाँ पर I नेगेटिव दिया होगा तो I नेगेटिव I2, और फिर उनको जोड़ के लिख देना, ये एसिडिक मीडियम है। ठीक है ना, अब कुछ इसकी रिएक्शन होती है लाइक आपको याद रखनी है, वो है न्यूट्रल में और बेसिक मीडियम में लगभग सेम होती है। ठीक है ना, आई नेगेटिव से क्या बन जाएगा, आई नेगेटिव से बन जाएगा I2। एक होती है Mn2 पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, Mn2 पॉजिटिव से बन जाएगा MnO2, Mn4 पॉजिटिव आ जाएगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है S2O3 2 नेगेटिव, इसे बोलते हैं थायोसल्फेट, इससे क्या बन जाएगा सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, न्यूट्रल मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में ये नई रिएक्शन है। ठीक है, एक तो थायोसल्फेट वाली और एक Mn
टू पॉजिटिव वाली, बाकी डिट्टो कॉपी है जो डाइक्रोमेटाइन में आप लोगों को देखने को मिलती है। अब इधर से अगर मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ किसका भाई, एमएन ओ फोर टू नेगेटिव, ये क्या है मैग्नेटाइन है, और स्ट्रक्चर ऑफ एमएन ओ फोर नेगेटिव, तो कैसे बना दोगे, एम एन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ इधर दो सेम पे नेगेटिव है ना ऐसे, ठीक है, और एम एन ओ फोर नेगेटिव, एम एन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। अच्छा मैं एक चीज़ बताता चलूँ, आई नो आप लोगों को डर लग सकता है कि क्या सर इतना मुश्किल है कैसे करेंगे, बहुत ईजी रिएक्शन है, और टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूँगा, रिपीटेड रिविजन से ना ये चीज़ें आपको एकदम से याद आ जाएंगी। बट एक और मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, क्या करो कि एक हफ्ते के लिए ना ये लिख लो कि आई नेगेटिव से आई टू बनेगा, ठीक है, सी एल नेगेटिव से सी एल टू बनेगा, एफ ई टू पॉजिटिव से एफ ई थ्री पॉजिटिव बनेगा, इस तरह से हफ्ता भर उसको पाँच पाँच मिनट देखो, खुद से याद हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और मैं बिलीव करता हूँ रिपीटेड रिविजन पर बहुत बार रिविजन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, तो बेटा ये हमारे पास हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, बताओ कंपाउंड में क्या दिक्कत आ रही है, क्लियर है। बस एक काम कर देना मेरे लिए, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, इधर एम एन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है और इधर एम एन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भाई, दो एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, कहाँ पर एंटर करता है, एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो और आप नोटिस करते हो कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, तो आप उसे क्या बोल दोगे कि यार ये जो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। आप लोगों ने सबने पीरियोडिक टेबल देखी हुई है, पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होती है हमारी, है ना, कुछ इस तरह से आप लोगों को पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगी, ठीक है। मेरी ड्रॉइंग जो इग्नोर करना, बट जो मेन मैं आप लोगों को बात समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। अब ये बड़ी मतलब ना अजीब सी बात है, हमारी पीरियोडिक टेबल में कई सारी गलतियां हैं, उनमें से एक गलती है कि एफ ब्लॉक को जगह ही नहीं मिली, ठीक है। ये एफ ब्लॉक जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ जो होता है एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक की दो सीरीज होती है बेटा, पहली होती है 4F सीरीज और दूसरी आपकी होती है 5F सीरीज। 4F सीरीज को हम लोग लैंथेनॉइड सीरीज भी बोल देते हैं, ज़्यादा डिटेल में ना हमने इसी को पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसी को पढ़ेंगे, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। 5F को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिनॉइड सीरीज बोल देंगे, ठीक है। या फिर इनको जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे आपको पता हो एस और पी ब्लॉक को हम कलेक्टिवली बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोला जाएगा नहीं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस सीरीज को, ये जो 4F सीरीज का है, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज, इस तरह से इनकी बात होती है 4F सीरीज की 5F सीरीज की। अब जो 4F सीरीज है, ये हमारे पास 4F सीरीज है, यहाँ पर ये है 4F और ये है 5F। 4F सीरीज को हम कैसे याद रख सकते हैं, लाठर के सीने पर नदियाँ, पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तिब तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम यहाँ बाहर ले आओ। ये गाना था हमारे ज़माने का नहीं था, मतलब मेरे दादा परदादा के टाइम में चलता होगा, बहारो फूल बरसाओ, है ना, वो तब महबूब के लिए ना ये गाने हैं। रिपीट कर दे रहा हूँ, लाठर के सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम यहाँ बाहर ले आओ। इस सीरीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज है, और ये एक बार थापा गया यूरेनस नेपच्यून
और प्लूटो पर, ठीक है। थापा भाई साहब थे, एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, और नासा वालों ने उसको उड़ान भरवा दी, कहाँ की, यूरेनस की, नेपच्यून की और प्लूटो की। इसी बात पर अमेरिकन सीएम ने बकवास की काफी, ठीक है। इस बार एफएम पर मैडी ब्रो नो लेक्चर, है ना, ज्यादा पॉलिटिकल नहीं कर सकते हम। इस बार एफएम पर मैडी ब्रो नो लेक्चर, इस तरह से आप, बाकी आप लोगों को अगर कोई इससे अच्छी ट्रिक पता है तो बता देना, अगली बार मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ना एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है भाई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखो एन माइनस टू एफ में होते हैं 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, एन माइनस वन डी में होते हैं 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन, एंड एन एस एस में सीधा इनके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दो सीरीज है ना, कौन कौन सी, एक है 4F सीरीज, एक है 5F सीरीज। 4F सीरीज में क्या होगा, 4F 1 to 14, है ना, 5D 0 to 1, ये 4F सीरीज है जिसको हम लेंथेनोइड सीरीज के नाम से जानते हैं इसको। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो लेंथेनोइड है, ये जो LA है, लेंथेनम एक्टिनम एक्टिनम, बेटा ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एक्चुअल में डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, बट इनके बाजू में एफ ब्लॉक हो गया है, एफ ब्लॉक के साथ रह रह के इनके, जैसे होता है ना, अगर तुम एक अच्छे बच्चे की संगति करते हो धीरे धीरे तुम में अच्छे गुण आने लग जाएंगे, और अगर तुम एक शराबी की संगति करोगे धीरे धीरे वो आदतें आने लग जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं कंपनी थोड़ा, जो दोस्त हैं वो थोड़ा देख के चुनने चाहिए, ठीक है। तो भाई ये बात है कि ये एक्चुअल में डी ब्लॉक के हैं, बट इनके साथ रह रह के इनके अंदर भी एफ ब्लॉक वाली प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एफ ब्लॉक की टोटल 2 सीरीज हैं, हर एक सीरीज में 14 एलिमेंट है, तो टोटल 28 एलिमेंट है, बट अगर आप अभी जो मैंने यहाँ पर बना रखे आप यहाँ पर काउंट करते हो तो टोटल 30 एलिमेंट है। इसमें 2 एलिमेंट डी के हैं, जनरली हम इनको साथ में लपेट लेते हैं कि चलो आ जाओ यार तुम भी, जब प्रॉपर्टीज इनके वाली शो कर रहे हो ना, आ जाओ। वो होते ना, मतलब छोटे बचपन में वो सुना था यार कि ना चंदन के पेड़ के पास अगर नीम के पेड़ भी हो ना, तो उनके अंदर भी, नीम के पेड़ के अंदर भी चंदन वाली प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत आ जाती है, ठीक है। इसमें अच्छा ये हो जाएगा 6s2, और ये क्या होगा 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, एंड 7s2। अच्छा इन सब का अगर मैं ग्रुप बोलूं, ग्रुप होगा बेटा जी थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल में अगर यहां से देखो ना, तो ये यहां से है, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप होता है, ये सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। अब इनको पीरियोडिक टेबल में तो जगह दी नहीं गई, तो इनको बोल देते हैं कि थर्ड ग्रुप से है। तो एफ ब्लॉक जो होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है ब्रो, वो बिलोंग करता है थर्ड ग्रुप से। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू ये है थर्ड ग्रुप है। अब इसका पीरियड, अब एस का बड़ा नंबर देखते हैं, तो ये 6 पीरियड से हो जाएगा, और ये हमारे पास 7th पीरियड से हो जाएगा। ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, 7th पीरियड से हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास है क्या, जो 4F सीरीज है, क्या लाठर, लाठर ने क्या कर दिया भाई, लाठर के सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यहाँ बाहर ले आओ। इसका ना, इसको, ये जो 4F सीरीज है बेटा जी, इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग लालू सीरीज भी बोल देते हैं। अरे ये सर क्या मस्ती कर रहे हो, सच में बोल देते हैं लालू सीरीज। पहला एलिमेंट LA है और लास्ट एलिमेंट LU है, इस वजह से इसका नाम लालू सीरीज हो जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, सो ऑन करते हुए इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाता है वो हो जाता है 71। जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सबके क्या होगा, यहाँ पर जीनोन लग रहा होगा, सब में लगेगा जीनोन, सब में क्या जरूर लगेगा, सब में 6s2 भी लगेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें 2-3 स्पेशल केस सुना देता हूँ जो जिनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी स्पेशल है,
लेंथेनम की, लेंथेनम तो चलो डी ब्लॉक का है, उसके बाद सीरियम की, गडोलिनियम की, इसको कैसे याद रख सकते हो, एल ए को तो चलो वो तो डी ब्लॉक का है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो थोड़ी अलग होगी ही, बाकी ये जो है सीरिया के गुंडे हैं लुटेरे, ऐसे कर लो ठीक है। तो इनमें खास बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ इनमें खास बात क्या है कि जैसे ना मैं इसके लिए करूँ, लेंथेनम के लिए 5D1 आएगा, सीरियम के लिए 5D1 आएगा, गडोलिनियम के लिए 5D1 आएगा, लुटेटियम के लिए 5D1 आएगा, इन सब के लिए ये एक्सेप्शनल केस है, या ये मतलब आपने ये देखना है एक्सेप्शनल नहीं है, इनको एक्चुअली ज़्यादा स्टेबल होना होता तो ये कोशिश करते हैं, इनके पास डी में 1 होता, बाकी जितने भी हैं उन सब में डी में 0 होता है, यहाँ पर 5D में 0, सब में डी में 0 आएगा, बाकी सब में 5D में कितने आ जाएंगे बेटा 0 आ जाएंगे सब में। डी वन वाले मैंने बता दिए हैं, लेंथेनम हो जाएगा, सीरियम हो जाएगा, एंड गडोलिनियम हो जाएगा, एंड लुटेटियम हो जाएगा, इन सब में डी में 1 होगा, और एफ में आप इसके अकॉर्डिंग भर लो, इधर तो एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, 4F में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भैया 0 आ जाएंगे ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 4F में सीरियम में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इधर 4F में 3, 4F में 4, उसके बाद तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने इस, अगर देखो वैसे तो 3D सीरीज से ही कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, अगर 4F सीरीज से पूछा भी गया तो आपको ये देखने लगे कौन एक्सेप्शनल केस है, बाकी सब में डी में 0 होता है, 6S2 सब में होता है, क्लियर है। अब इसी बेस पे ना सारी की सारी बातें हैं, अब जैसे इनकी बहुत फेमस क्वेश्चन बन जाता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इस ग्रुप वालों की, जो 4F सीरीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ब्रो सच्चाई तो ये है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी +3, मोस्ट कॉमन +3 है ठीक है, वाई सम एलिमेंट्स शो +2 एंड सम इन सम केसेस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि यूरोपियम में, टर्बियम में, यहाँ पर आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल जाती है, या फिर इसके अलावा जो +4 वाले केस हैं सीरियम, पीआर, एनडी, टीबी, डीवाई, ये सब जो है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर किसी के देखो +2 है शो कर सकते हैं, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 के अलावा +2, +4, अब +2 से +3 में जाना चाहेगा यानी कि ऑक्सीडेशन शो करना चाहेगा, और ऑक्सीडेशन शो करना चाहेगा तो ये +2 वाले कौन से एजेंट हैं, +2 वाले आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं, +4 वाले कौन से एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पूछ लिया जाता है आपको पता भी होना चाहिए ठीक है ना। अब देखो यहां से ना और सबसे जो फेमस क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बेटा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, 99.9% में श्योर बोल रहा हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या बोला है सर, मैं बताता हूं 3D वाला याद है ना वो, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ पर जाना है लेफ्ट राइट, इन 4F सीरीज, जब आप 4F सीरीज में लेफ्ट राइट जाते हो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ 4F एलिमेंट्स डिक्रीजेस रेगुलरली एंड this regular decrease in atomic size and ionic radii is known as, क्या बोलते हैं इसी को, इज नोन एज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा जी इसी को आप लोग क्या बोलने वाले हो, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलने वाले, बहुत बढ़िया सर, मैं समझ में आ गया।
आगे हो गया यार मेरे हिसाब से ना। देखो आप जब ऐसे जाते हो ना, इस तरह सीरीज है, एल से एलयू तक आप जाते हो, लाठर के सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गद गद तब दिल हुआ इंजीनियर तुम यहां बाहर ले आओ, तो इस तरह से साइज डिक्रीज होता चलता है। ठीक है, या ऐसे जा रहे हो, चलो भाई लेफ्ट राइट चलते हैं। और इस लगातार साइज के डिक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, यही हमारे पास रैंथनर कॉन्ट्रैक्शन है। अब अगली बात है कि इसका कोज क्या होता है। देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अंदर की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो साइज डिक्रीज होगा। अब उस साइज को डिक्रीज होने से रोकता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अंदर नहीं आने देते, शील्ड क्या होता है, जैसे कर्ण जी थे महाभारत में है ना, उनकी तरफ कोई एरो आता, तीर आता था तो उनकी बॉडी पे एक कवच राइज हो जाता था, वो शील्ड होती है। क्या कह रहा हूँ, जैसे कि ये है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में कई सारी शेल है, ठीक है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन है ये अंदर आना चाह रहा है, बट इसको अंदर आने से रोक रहे होंगे कौन, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, इन्होंने किसका इफेक्ट काम किया है, इधर ये इधर एक शील्ड बना देंगे, इसको नहीं आने देंगे। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट एक ऐसा होता है जो एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज होने से रोकता है, बट उसके लिए शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रोंग होना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रोंग होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस सब शेल के लिए होता है, फिर पी के लिए, फिर डी के लिए, और सबसे वीक जो होता है वो एफ के लिए। एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक सकता, इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ अट्रैक्ट होते चलते हैं, साइज डिक्रीज होता चलता है, और इस साइज डिक्रीज होने को हम लोग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि खुद बोल जाता हूँ एक तुम्हें, हाँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट वीक है, इस वजह से रेगुलर साइज डिक्रीज होता रहता है। तो आप लोग क्या लिखोगे, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द डिफ्यूज शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, शील्डिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट इज वेरी पुअर, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन फील्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, साइज ऑफ एटम क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज होता चलेगा। ठीक है, ये इसके कोज हो गए। अब बात होती है इसके कंसिक्वेंसेज की, कि इस बात का परिणाम क्या निकला, फायदा क्या है इस बात का, पढ़ तो रहे हैं है ना। अब फायदा, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस ना, मतलब हम लोग इंडिया में तो बात यही करते हैं ना कि भाई परिणाम क्या होगा, इससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है। देखो बेटा जी, इससे रिजल्ट ये निकलेगा, सबसे पहली बात कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेस, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज कर जाता है, या पहले प्रॉपर बात करते हैं। अब देखिए, लेफ्ट राइट जाते हुए ना साइज डिक्रीज हो रहा है, अब लेफ्ट राइट जाते हुए जब साइज डिक्रीज हो रहा है, बट वो साइज ना थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे, जैसे मान के चलो एक लोहे की बोल है और उस पर मैं सैंड पेपर लेता हूँ, ठीक है, वो सैंड पेपर उस पर एक बार मार दिया तो थोड़ा साइज डिक्रीज होगा, डिक्रीज तो हुआ है थोड़ा सा, फिर एक बार और सैंड पेपर लगा दूँ फिर और साइज डिक्रीज होगा, वो साइज रेगुलर डिक्रीज होता चलता है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हुई लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट
टू सेपरेट लेंथ नोड्स। हम लोग लेंथ नोड्स को सेपरेट ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों सर, उनको सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि साइज सिमिलर था, प्रॉपर्टी सिमिलर थी, बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, ड्यू टू लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स बिकम सिमिलर। सीरीज एलिमेंट्स बिकम्स सिमिलर, इनका साइज भी क्या होगा मेरे भाई, सिमिलर हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट राइट जाते हुए साइज डिक्रीज होता है, और जब साइज डिक्रीज होता है ना, बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या हो जाएगा, बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथ नोड्स, लेंथ नोड्स को एल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिक्रीजेस। ठीक है ना, जैसे कि एल ए ओ एस थ्री है और यहां पर एल यू OS3 है, तो इनमें से जो लीस्ट बेसिक होगा वो LuOS3 होगा। सर ऐसा क्यों है? देखिए, बेसिक रिएक्टर का मतलब है जो OH को रिलीज करते हैं। अब जब साइज डिक्रीज हो जाता है तो वो OH को आसानी से रिलीज नहीं करेगा। कोवेलेंट करेक्टर जो है वो बेटा जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं लेंथ नोड्स की। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जो लेंथ नोड्स होते हैं हमारे, उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो बिल्कुल एल्युमिनियम की तरह बिहेव करते हैं, बिकॉज एल्युमिनियम की भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जैसे कि ये हमारे पास है लेंथ नोड, ठीक है, बस आप लोग करवा लेना। ठीक है, अब लेंथ नोड की आप लोगों ने रिएक्शन करवा दी, मान के चलो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन पे -2 होता है, लेंथेनम पे +3 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, LN2O3। ठीक है ना, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, LNOH3। आपने इसकी रिएक्शन करवा दी S के साथ, सल्फर के साथ, सल्फर पे भी सिमिलरली -2 आएगा, उस पर +3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, LN2S3। ठीक है, आपने उसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ भैया, एसिड के साथ। अब इनके अंदर मेटेलिक रिएक्टर होता है, मेटल्स ही होती हैं, इनमें एक एलिमेंट होता है प्रोमिथियम, PM है ना, वो रेडियोएक्टिव होता है, बाकी सभी बड़ी एलिमेंट मेटल। मैंने शायद आप लोगों को बताया भी है पहले भी कि पीरियोडिक टेबल में एक पी ब्लॉक ऐसा है जिसके अंदर आपको नॉन मेटल्स देखने को मिल जाती हैं, अदरवाइज जितने भी ब्लॉक है, इधर वो एस ब्लॉक है और वो पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, सभी मेटल्स देखने को मिलती हैं। तो एसिड्स के साथ क्या बात खास होती है भाई, एच2 गैस रिलीज होती है, ठीक है ना, और किसके साथ रिएक्शन करवाई जा सकती है इसकी, जैसे नाइट्रोजन के साथ करवा दी, नाइट्रोजन पे -3 होगा भैया, समझ रहे हो ना, एलन पे +3, नाइट्रोजन पे -3, क्रिस क्रॉस करके कैंसिल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर एलन क्यों बोल रहे हो, LN ही है ये, इधर ना मेरी इधर ना ये जाड़ होती है सर, बहुत पेन कर रही है वो, ठीक है। और वैसे बता देता हूँ, इस टाइम रात के 1:10 हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है, बस ये है पेन किलर लेके, मुझे लगा कि हाँ बच्चों को पढ़ा देना चाहिए, LN, ठीक है, ये इस तरह से नॉर्मली इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। हैलोजन्स के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ तो हैलोजन्स पे -1 चार्ज होता है, LNX3। हाँ, कार्बन के साथ थोड़ा सा अजीब होता है, इसको देख लेना, LNC2, कार्बन के साथ इसको गर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको सब कुछ, मेरे को लगता नहीं है कहीं पर कोई डाउट बचा होगा। ठीक है, अगर मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखना चाहूँ तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी भाई, सबसे पहली बात, ऑल लेंथ नोड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है ना, और लेफ्ट राइट जाते हुए ना इनकी हार्डनेस बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ेगी अनपेड इलेक्ट्रॉन से। आपको पता है अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर टू पे आते हैं, इधर एक एलिमेंट होता है SM करके, समरियम करके, वो सबसे हार्ड होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसके पास, ठीक है। अच्छा ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ डी एंड एफ ब्लॉक में कि सभी मेटल्स का कलर जो होता है वो सिल्वर होता है। दो मेटल हैं, एक कॉपर है और एक गोल्ड है। गोल्ड का कलर आपको पता होगा कि येलो होता है, बाकी सबका कलर व्हाइट होता है। तो सर वो कलर अलग अलग शो क्यों करती हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से डी डी ट्रांजिशन होती है, एफ में एफ एफ ट्रांजिशन होती है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कलर्ड होते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट किसको छोड़ दो, एल ए थ्री पॉजिटिव को छोड़ दो एंड एल यू थ्री पॉजिटिव को छोड़ दो, ऑल आर कलर, सभी क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। सर कलर्ड क्यों होंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। एल यू थ्री पॉजिटिव को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसके पास सारे पेयर्ड हैं। एल ए थ्री पॉजिटिव को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसके पास डी में और एफ में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा कि ये रंग दिखा पाए, है ना। अगर अगली बात करें पैरामैग्नेटिक की, एक्सेप्ट अगर किसी की एफ जीरो कन्फिग्रेशन है या किसी की एफ फोर्टीन कन्फिग्रेशन है। एफ जीरो किसकी हो सकती है? जैसे एल ए थ्री पॉजिटिव, सी ई फोर पॉजिटिव के अलावा टर्बियम टू पॉजिटिव एंड ड्यूटेरियम थ्री पॉजिटिव, ऑल आर पैरामैग्नेटिक, और उनके पैरामैग्नेटिक रिएक्टर बहुत इजीली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, इजी होता है, ठीक है ना। और भाई बेसिक रिएक्टर हम बोल चुके हैं, और अलॉयज ऑफ लैंथेनॉइड्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, मिस मेटल बोलते हैं, मिस मेटल आ जाता है कई बार, मिस मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका यूज़ किया जाता है बुल्ट बनाने के लिए, बुल्ट मतलब वो फायर करने वाली, है ना। इसमें क्या होता है, 95% आपको देखने को मिलेगा लैंथेनॉइड, 5% आपको देखने को मिलेगा आयरन, एंड ट्रेसेस होती हैं बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलता है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और भी छोटी मोटी इम्प्योरिटी इस तरह से। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास बात होगी किसकी भैया, लैंथेनॉइड्स की। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। मैं ये बोलूँगा इसको कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हद से वैसे तो क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाएगा, बट स्टिल थोड़ा सा एक बार देख ही लो, है ना, CBSE वालों ने मेंशन किया ही है तो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4F ऑर्बिट। अच्छा मैं एक बात आता हूँ, लैंथेनॉइड्स की जो भी प्रॉपर्टी है ना, एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टीज उससे प्लस में है, हर एक प्रॉपर्टी उससे बढ़िया ही मिलेगी। साइज बढ़ गया है ना, इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो सब कुछ बढ़िया रहता है उनका, ये देख लेना। इसमें 4F में एंटर करता है, 4F ऑर्बिटल में, और इधर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन कहाँ पर एंटर करता है भाई, 5F ऑर्बिटल में एंटर करता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भाई, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 4F 1 टू 14 है ना, 5D 0 टू 1, 6S2, और इनकी 5F 1 टू 14, 6D 0 टू 1 एंड 7S2। अच्छा साइज इनका भी ऐसे डिक्रीज होता है, जैसे लैंथेनॉइड्स का लेफ्ट राइट जाते हुए डिक्रीज होता है ना, उसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे एक्टिनॉइड भी में भी जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो उनका साइज भी डिक्रीज होता है, एंड उसे बोला जाता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभी हमारे पास, एंड आगे बढ़े, दीज आर नॉन रेडियक्टिव, ये जो होते हैं हमारे पास नॉन रेडियक्टिव होते हैं, दीज आर नॉन रेडियक्टिव, ठीक है। इधर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट PM का मतलब है प्रोमीथियम, ये एक एलिमेंट है जो कि रेडियक्टिव होता है। 4F सीरीज में सिर्फ एक एलिमेंट है जो रेडियक्टिव है, दैट इज PM, ठीक है। एंड दीज ऑल आर रेडियक्टिव, ये सारे के सारे रेडियक्टिव होते हैं। अच्छा इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +3 ही होती है, एज वेल दे कैन शो +2
एंड प्लस फोर। और इधर अगर मैं बात करूँ, अच्छा इनकी कन्फिग्रेशन में भी ज़्यादा झोल होता है, ठीक है। अब बोर्ड्स में इतना मुश्किल नहीं आता, दरअसल मैंने आप लोगों को करवाया भी नहीं है, बट इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होती है, मैं दोबारा बोलूँ, बट क्योंकि उनकी कन्फिग्रेशन में बहुत झोल है, दैट्स वाई उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत झोल वाली होती है। प्लस थ्री के अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लस टू, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स। अब दीज आर पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, दीज आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, दीज आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक ही है, ठीक है। बट इनका जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है कैन बी एक्सप्लेन्ड इजीली, इनके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को आप लोग बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये कांट बी एक्सप्लेन्ड इजीली, ठीक है ना। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, देयर कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, ठीक है, साइज छोटा ही होता है ना, मतलब अब उनका साइज थोड़ा बड़ा रहता है तो इजीली वो अपने वेज को रिलीज कर सकते हैं। देयर कंपाउंड्स आर हाईली बेसिक आर हाईली बेसिक, ठीक है ना। अच्छा, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइन, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइन, समझ रहे हो ऑक्सोकटाइन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़े और इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसा नहीं होता। दे फॉर्म ऑक्सोकटाइन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे और ऑक्सीजन जब इनसे ब्रेकअप करके जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज इन पे आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, बस यही है बेटा इनके, इन ये ज़्यादा रंग शो कर सकते हैं, जो एक्टिनाइड्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कलर शो करते हैं, ये उनके कंपैरिजन में थोड़े कलरलेस होते हैं, बस यही है, और तो कुछ भी नहीं है, है ना। इसका शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक पॉइंट है जिसमें जीतते हैं, वैसे तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, बट इनका आपस में ही कंपेरिजन हो जाए, इनका ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट होगा, इनका एज कम्पेयर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा 5F वालों का, ठीक है। बस ये रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा इसको देख लेना। और ये है जी हमारा क्या डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कंप्लीट वन शॉट। आई होप एक एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार दोबारा देख लेना, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सारे नोट्स ही एक्सप्लेन किए हैं, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बता देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन बहुत जल्दी आने वाले हैं, और अगर आप यहाँ तक आए हो तो मैं रिकमेंड करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर देना। ख्याल रखिए बेटा जी अपना, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।